आते हैं 60 तक के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और 61 से हम लोग शुरुआत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 के ऊपर आते हैं सेट, और आप देख सकते हैं ये मई 2016 का क्वेश्चन है। आई रिपीट, ये मई 2016 का क्वेश्चन है। आते हैं और देखते हैं एक्स करना क्या है। क्वेश्चन में हम सबसे पहले नीचे जाते हैं, नीचे जाकर के देखते हैं कि हमसे डिमांड क्या किया जा रहा है। टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी मैट को इग्नोर किया जा रहा है। वैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी पीजीबीपी के क्वेश्चन हैं वो कुछ इसी तरीके से होते हैं। सबसे पहले अपने टोटल इनकम बोलते हैं, फिर टैक्स बोला जाता है और मैट के प्रोविजन को इग्नोर करना बोला जाता है। खैर हमें क्या, आपको तो पता है जब भी टोटल इनकम हुआ मतलब हम डायरेक्ट क्या बनाते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले XYZ लिखेंगे, असेसमेंट ईयर 21-22 लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 PGBP से स्टार्ट करेंगे, पर्टिकुलर्स रुपीज से चालू हो जाएगा। ये बिल्कुल सेट कर लो, मतलब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पेपर के अंदर में तुमने देखा कि बस फाइनल के अंदर में ये क्वेश्चन दिखा कि तुमकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये दना दन ये चीज करना चालू कर देने का। XYZ लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, मैंने तुम्हें बताया जब भी क्वेश्चन देखो कुछ चीज़ों को हाईलाइट करते हुए चालू करना, अंडरलाइन करते हुए चालू करना। एंगेज इन फर्टिलाइजर्स बिजनेस, ठीक है। इट स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 700 लाख आफ्टर डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ फॉलोइंग। क्या करेंगे मालिक, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे, आउटर कॉलम के अंदर में 700 लैक्स, 700 के आगे 50 को जोड़ देंगे। एक एक आइटम के ऊपर ध्यान देते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट as per the provisions of companies act is 50 lakh whereas as per income tax rules is 80 lakh। अच्छा जी, क्या करेंगे, 50 lakhs को add back करेंगे, 80 lakhs को less करेंगे। ये 50 lakh add back हो गए, 80 lakhs को हम क्या करेंगे, less करेंगे। नीचे आएंगे, less वाले आइटम में 80 lakhs को less करेंगे। ऑल्टरनेटिवली मेरा बच्चा क्या कर सकता था, 30 lakhs less कर सकता था। डन सर, दो एडजस्टमेंट खत्म हुई। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू EPF, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू EPF ऑफ 2 लाख टुगेदर विद द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 लाख फॉर द मंथ ऑफ मार्च 21 वॉज रेमिटेड ऑन 8 मई 2021। मैं आपको याद दिला दूं सेक्शन 43B, ये एक सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि बॉस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अगर रिटर्न भरने से पहले पे कर दिया तो एक्चुअली अलाउड हो जाता है एज डिडक्शन। वही चीज़ है यहाँ पे, रिटर्न भरने की डेट से पहले किया है, 8 में रिटर्न भरने की डेट से पहले है, अलाउ हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डन। सो यहाँ पे आ गया नील एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन, रेफरेंस आएगा 43B का, राइट। इट इज़ अलाउड एज डिडक्शन सिंस द सेम इज डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन एज पर दिल्ली हाई कोर्ट इन AIMIL, Employees contribution is allowed the deduction if it is paid on or before the due date of filing return. Yes, अच्छा मैंने आपको बताया भी था ये एक डिस्प्यूटेड मैटर है। कई बार एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन को लेकर के कहा जाता है कि बॉस एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन उस एक्ट के डेट से पहले होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर हाई कोर्ट जजमेंट भी था, मैंने आपको बताया था। हालांकि जजमेंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बट ये भी ड्यू डेट से पहले पे किया तो अलाउड एज डिडक्शन होता है। ये बात हम लोगों ने सुपर 35 के अंदर में बहुत अच्छे से भी करी थी, रेगुलर बैच के अंदर में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से करी थी। सो ये दो भी खत्म हुए। नेक्स्ट, कंपनीज अपेंडेड अ नोट टू इट्स इनकम स्टेटमेंट दैट इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कंसेशन ऑफ 2.5 लाख वाज रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेम इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स। एक मिनट, आपको ये सब्सिडी मिली है कुछ, नाम कुछ भी हो, नाम में कंफ्यूजन मत होना, इंस्टीट्यूट कंफ्यूज करने के पीछे रहेगा तुम्हें। नाम में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कंसेशन, तुम्हें कुछ टैरिफ कंसेशन मिला है 2.5 लाख का विच इज रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। किससे मिला है, स्टेट गवर्नमेंट से मिला है। ये जो अमाउंट मिली है ये क्या होती है बेटा, सब्सिडी होती है, और ये जो सब्सिडी होती है इसे टैक्सेबल होना चाहिए। तुमने इसे कैपिटल रिसीट मान लिया, कैपिटल रिसीट नहीं मानेंगे। सब्सिडी अगर असेट के अगेंस्ट में मिले तो कॉस्ट से लेस होती है, अदरवाइज इट इज इनकम अंडर द हेड ऑफ PGBP। PGBP में इसे क्या किया जाएगा, एडबैक किया जाएगा। हमें क्या करना होगा, इसे नेट प्रॉफिट में एडबैक करना होगा। आपने इसे कैपिटल रिसीट माना है पर ये कैपिटल रिसीट नहीं है। सो 2,50,000 शुड बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट। सो दिस इज एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट। एनी असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ कंसेशन रिसीव फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू बी ट्रीटेड एज इनकम सिंस द सेम हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड। डन मेरे बच्चे। नेक्स्ट, the company has provided an amount of 25 lakh being estimated as payable to worker based on the agreement to be entered with worker union towards periodical revision once in a 3 years. The provision is based on the fair estimation on the wage and probable revision. क्या किया है ज़रा मुझे बताएंगे? आपने एक प्रोविज़न बनाई, कंपनी की एक पॉलिसी है, हर 3 साल में वेज रिविजन होता है, और ये प्रोविज़न आपने किसके लिए पेमेंट के लिए बनाई? एम्प्लॉयज़ वर्कर के लिए, जो बेस्ड है एक फेयर एस्टिमेशन के ऊपर. ये प्रोविज़न जो आप पे कर रहे हैं, क्या ये अलाउ है या नहीं है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है. इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हिसाब से हर बार क्या होता है, एम्प्लॉय की सैलरी 2 साल 3 साल कंपनी टू कंपनी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बदलती रहती है. अब यहाँ पे जो आप पेमेंट कर रहे हो, ये वेजेस का कर रहे हो, एम्प्लॉय को कर रहे हो. अगर तुम कॉमन सेंस भी लगाओ, खैर इसके ऊपर केस लॉ है, पर अगर तुम कॉमन सेंस भी लगाओ तो एम्प्लॉय को जो पेमेंट किया जा रहा है ये तो बिजनेस नेचर का पेमेंट हो गया. एम्प्लॉय को जो पेमेंट किया जा रहा है ये बिजनेस नेचर का पेमेंट हो गया. दैट वुड बी अलाउड एज डिडक्शन. ये अलाउ हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी. सो चेक कीजिएगा, कुछ नहीं करना है यहाँ पे. प्रोविजन ऑफ वेजेस टू वर्कर. There has been a wage revision in every 3 years. Company is formed in 1999. Since the provision is based on fair estimation, the same can be recognized for the purpose of income computation as per CIT versus Bell. Case law याद मत रखना. As per the provision has been debited to P&L. No adjustment is required while computing the business income. We simply treat it as a business expenditure. क्योंकि employee को दे रहे हो तो इसके अंदर में कोई टेंशन कभी भी होता ही नहीं है. Company has made a provision of 10% of its debtor towards the bad debts. Total sundry debtors is 200 lakh. एक मिनट. Bad debts is allowed as deduction. Provision for bad debts is not allowed as deduction. लेंगे 200 lakh का 10% add back कर दिया जाएगा. बहुत ही सिंपल. 200 lakh का 10% add कर दिया जाएगा. Provision for bad debts is allowed as deduction under 36(1) only in case bank, financial institution, NBFC, etc. Such provision is not allowed in any other case. सो हमने 200 लाख का 10% स्ट्रेट अवे एड बैक कर दिया. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. अ डेटर हु ओन द कंपनी एन अमाउंट ऑफ 40 करोड़ वाज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट एंड हेंस इट इज रिटर्न ऑफ. एक मिनट. बैड डेब्स अगर आपने राइट ऑफ कर दिया है तो इट इज एक्चुअली अलाउड एज डिडक्शन. आपने अगर उसको पीएनएल को ऑलरेडी डेबिट करके रखा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. कुछ नहीं करना है यहाँ पे. बैड डेब्स आपको प्रूव करके देने की जरूरत नहीं होती. सेक्शन 36 की बात चल रही है यहाँ पे मालिक. लो बैड डेब्स रिटर्न ऑफ 36(1). Since the same is already debited, no further adjustment is required. Yes. बहुत हार्ड लग रहा है कि आप PGBP नहीं ना. मैंने आपसे पहले ही कहा था PGBP से डरने की जरूरत नहीं है, बस इसको लॉजिकली पढ़ने की जरूरत है. आपने देखा होगा हमने बहुत लॉजिकली इसको पढ़ा है. Sundry creditors include 50 lakh payable to A and company towards supply of raw material, which is remained unpaid due to the quality issue. एक मिनट. कुछ अनपेड रह गया ड्यू टू द क्वालिटी इशू. एन अग्रीमेंट हैज़ बीन मेड टू सेटल एन अमाउंट एट अ डिस्काउंट ऑफ 75% ऑफ द आउटस्टैंडिंग. एक मिनट. सन्डरी क्रेडिटर्स की बात कर रहे हो, डेटर्स की नहीं. डेटर्स में अगर डिस्काउंट हो जाते तो अलग विषय होता है. ये क्रेडिटर्स का डिस्काउंट है. कुछ क्वालिटी इशू से रिलेटेड था. 50 लैक्स का 75%, 50 × 7.5, यह आएगा 37,50,000 अराउंड. ठीक है. सन्ड्री क्रेडिटर क्वालिटी इशू के कारण उनका जो आउटस्टैंडिंग था, डिस्काउंट ऑफ 75% ऑफ आउटस्टैंडिंग, इतना वो डिस्काउंट दे रहे हैं. मतलब 50 लाख का 7.5%, सॉरी 75%, नॉट 7.5%, 75% का वो लोग क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं. मतलब 37.50 लाख रुपीज़ का आपको रेमिशन मिल रहा है. रेमिशन, सीजेशन, सेक्शन बोल, सेक्शन बोल, वेरी गुड. 41(1) रेमिशन या सीजेशन तेरी इनकम मानी जाएगी. प्रॉफिट में एड बैक करना पड़ेगा. तो 37,50,000 प्रॉफिट में एड बैक हो जाएंगे मालिक. डिस्काउंट गिवन बाय सन्ड्री क्रेडिटर 75%, 41(1) रेमिशन या सीजेशन माना जाता है. 37,50,000 तो ये नेट प्रॉफिट में क्या किया जाएगा? एड बैक किया जाएगा. बहुत शानदार बेटा. ये भी खत्म. ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक. अब ये हद हो गई है क्योंकि ये कॉमन हो चुका है तुम्हारा. क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है ओपनिंग से, एड बैक करेंगे स्ट्रेट अवे. एड बैक करेंगे स्ट्रेट अवे. यस. सो वेट अ मिनट. ओपनिंग एंड क्लोजिंग का लिया है ना हमने. ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिस्पेक्टिवली दे आर ओवर वैल्यूड. वेट, इस बार उन्होंने प्रोविजन चेंज करी. ओवर वैल्यू. अब तक के हमारे को जितने भी एडजस्टमेंट्स आए थे वो सब अंडर वैल्यू के थे. ओवर वैल्यू हो गए हैं तो लेस करेंगे, ओवर वैल्यू हो गए तो लेस करेंगे। यहाँ पे 50 लैक्स का ओवर वैल्यूएशन है तो 50 लैक्स का ओवर वैल्यूएशन 50 लैक्स इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 करेंगे, ओवर वैल्यूएशन हो गया था। अब तक के हमने जितनी एडजस्टमेंट सॉल्व किए सब अंडर वैल्यूएशन की थी। सो जितने से ओवर वैल्यू हुआ है उसे हटाया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा बिजनेस इनकम कंप्यूट करते वक्त। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन, एक्चुअल ग्रेच्युटी पेड इज 3 करोड़ रुपीज़। 5 करोड़ रुपए का आपने क्या बनाया था, प्रोविजन बनाया था, उसमें से एक्चुअली पेड 3 करोड़ रुपीज़ हुआ। 43B को अप्लाई किया जाएगा 40A7 के साथ। 40A7 बोलेगा भैया जितना एक्चुअली पे किया उतना आप डिडक्शन ले लोगे, गेम ओवर, 2 करोड़ रुपए एड बैक कर दिए जाएंगे जो एक्चुअली पे नहीं हुए। सो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी was based on actual valuation, it is not allowed as deduction as per 47. However, actual gratuity paid is allowed as deduction, hence the difference is added back 2 crore rupees. Difference has been added back. Commission of 1 lakh was paid to recovery agent for realization of debt. Tax has been deducted and remitted as per the act. अच्छा जी, आपने कमीशन पे किया जिसके ऊपर आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया। जो कमीशन पे आपने किया ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है, जो टीडीएस आपने डिडक्ट कर लिया है ये तो करना ही था आपने, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ घुमाने के लिए दिया हुआ है, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है इसमें। सो कमीशन पेड फॉर रिकवरी सिंस द सेम हैज बीन डेबिटेड टू पीएनएल, नो फर्दर एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड। कंपनी हैज परचेज 500 tons ऑफ इंडस्ट्रियल पेपर as packing material at a price of 30,000 ton from PQR, a firm in which majority of directors are partner. ठीक है, PQR normal selling price is 28,000 per ton. कितने रुपीस एक्स्ट्रा हुए since they are, अब देखो मेजरली डायरेक्टर अगर वहाँ पे पार्टनर है मतलब 48(2) वाला ट्रांजैक्शन हो गया, रिलेटिव वाला ट्रांजैक्शन हो गया। तुम दूसरों को 28,000 में दे रहे हो, खुद की कंपनी को 30,000 में दे रहे हो, 2,000 रुपये पर टन, 2,000 रुपये पर टन एक्सेस हुआ। 500 टन स्ट्रेट अवे इतना अमाउंट ऐड बैक हो जाएगा, 2,000 इंटू 500 रुपीज़, ये देख लीजिए 10 लाख रुपीज़ आपके क्या होंगे, ऐड बैक होंगे। 40A2 अप्लाई कर जाएगा, एनी पेमेंट टू रिलेटिव एक्सेसिव और अनरीजनेबल हैविंग रिगार्ड्स टू फेयर मार्केट वैल्यू और बेनिफिट रिसीव्ड, आ गया 10 लाख रुपीज़। कुछ और फर्दर एडजस्टमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, देर वॉज एन एडिशन टू द प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटिंग टू 50 लैक्स। अच्छा जी एक मिनट, अमाउंटिंग टू 50 लाख, हम लोगों को डेप्रीसिएशन तो ऑलरेडी कवर कर लिया है ऊपर, इसमें ये क्यों इन्फॉर्मेशन हमें दी होगी मोटा भाई, एडिशनल डेप्रीसिएशन मोटा भाई। 50 लैक्स का 20% मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी, ये लेस होगा क्योंकि हमने डिप्रीसिएशन में एडिशनल नहीं कंसिडर किया होगा। ये देखो एडिशनल डिप्रीसिएशन 10 लाख, 50 लैक्स का 20% लेस होगा, बाकी डिप्रीसिएशन तो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया होगा इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से, तो हमें वो एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। कंपनी हैज क्रेडिटेड अ सब कॉन्ट्रैक्टर एन अमाउंट ऑफ 8 लाख टूवर्ड्स रिपेयरिंग ऑफ मशीनरी कंपोनेंट, द टैक्स सो डिडक्टेड इज रेमिटेड ऑन 31 अक्टूबर 2020। बताओ क्या करेंगे इसका, सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट आपने दिया है 8 लाख रुपीज़ का टूवर्ड्स रिपेयरिंग ऑफ अ मशीनरी कंपोनेंट, टैक्स जो डिडक्ट किया है ये पिछले साल को पेमेंट किया था आपने और टैक्स इस साल डिडक्ट हुआ है। क्या कहना चाहते हैं वो इस एडजस्टमेंट से, पेमेंट पिछले साल का था मतलब पिछले साल आपको इसका डिडक्शन नहीं मिला होगा, जिस साल एक्चुअली टैक्स डिडक्ट होगा उसी साल पेमेंट मिला होगा, तो इसका डिडक्शन आपको मिला होगा या नहीं मिला होगा, नहीं मिला होगा, बराबर है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे बताओ, इस 8 लाख का 30% इस साल अलाउ किया जाएगा, उसको आप नेट प्रॉफिट से लेस कर दोगे क्योंकि पिछले साल का पेमेंट था तो पिछले साल तो इसका डिडक्शन मिला नहीं होगा, तो 8 लाख का 30% का डिडक्शन आप इस साल लोगे। 30% डिसअलाउ हो जाता है, यहाँ पे वो अलाउ होगा, प्रॉफिट से लेस होगा। इसकी नोट पढ़ो, सिर्फ इसकी नोट पढ़ो। डन, ओके। बढ़ते हैं सेट आगे। यहां पे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको कुछ और चीजें देखने को मिलेगी। द कंपनी हैज कलेक्टेड 10 lakh as sales tax from its customer and paid the same on due dates. However, on appeal made, High Court directed the sales tax department to refund 3 lakh rupees. ऐसा एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से घूम के ये एडजस्टमेंट आई है। देख लो, अगर आप पूरे क्वेश्चनर देख रहे होंगे मेरे साथ तो आपने देखा होगा सेम एडजस्टमेंट था। 3 लाख रुपए रिफंड आए थे। द कंपनी इन टर्न रिफंडेड 2 lakh टू कस्टमर फ्रॉम होम द अमाउंट इज कलेक्टेड। ये नया है बाबू, 3 लाख जो रिफंड आया उसमें से 2 लाख कस्टमर ने खुद होकर के क्या कर दिया, कस्टमर को रिफंड कर दिया। एंड बैलेंस 1 लाख इज स्टिल लाइंग। एक मिनट, आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपने पहले जब उसको पे किया होगा, इसका खर्चा लिया होगा, जब ये रिकवरी हुई 41(1) अप्लाई हो जाएगा। इसमें से आपने 2 लाख रुपए कस्टमर को वापस कर दिए तो भी स्टिल नेट आपकी इनकम कितनी हुई? 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए जो सेल्स टैक्स का आपने रिफंड नहीं किया कस्टमर को, ये आपके हाथ में टैक्स हो जाना है। सिंपली बात, क्या करेंगे? 1 लाख रुपए एड बैक करेंगे। ये 1 लाख रुपीज सेल्स टैक्स नॉट रिफंडेड टू कस्टमर। इसका नोट पढ़ो, इसका नोट पढ़ो। डन सर, आई थिंक सारे एडजस्टमेंट्स पूरे हो गए। ये आएगा हमारा टोटल इनकम। टोटल इनकम को हमने करेंगे राउंड ऑफ। मैंडेटरी है राउंड ऑफ करना, यस। टैक्स लायबिलिटी हम कुछ नहीं दिया है, टर्नओवर की बात नहीं करी है, राइट? टर्नओवर की बात नहीं करी है, हमने अजम्पशन बेसिस के ऊपर 25% से सॉल्व कर लिया। आप बिल्कुल ही अजम्पशन ले सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? प्लस 7% का सरचार्ज, बिकॉज आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के पैरामीटर में आ रही है, तो 7% का सरचार्ज प्लस 4% का सेस आपकी टैक्स लायबिलिटी को भी राउंड ऑफ कर देंगे। गेम ओवर। डन सर। 62 यू कैन डू इट सेल्फ। काई के ऊपर बेस्ड है, WDV कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, थ्योरेटिक प्रॉब्लम है, मई 2016 के अंदर में आया हुआ है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, इजी है। 43(6) WDV कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 63, जुपिटर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। द क्वेश्चन इज वेरी ह्यूज। आज दिन नवंबर 2017, नवंबर 2017 के अंदर में आपसे ये चीज़ें पूछी गई है, ठीक है? धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं 2020 की ओर। आप देख सकते हो हम लोगों ने करीब 1997 से सारे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। जुपिटर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। एक मिनट, करना क्या है, हम कैसे भूल जाते हैं? कंप्यूट क्या करना है हमें? कंपनीज अकाउंट, company accounts are required to be audited, okay. Compute total income indicating the reason for each item. वैसे भी हमें आदत हो गई है हर आइटम के बाद उसका रीजन लिखने की, रीजन मेंशन करना बहुत जरूरी है। इग्नोरिंग मैट, हमने इग्नोर कर दिया। ड्यू डेट आप रिटर्न फाइलिंग की ले सकते हो 31/10/2021 को, ठीक है सर। जुपिटर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, एंगेज, इट्स एन इंडियन कंपनी, शायद ये वर्ड कुछ आ जाए काम। इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड बाय वेरियस कंपनी। एक मिनट, सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। भाई साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अंदर में है, हो सकता है 35AD से रिलेटेड कुछ पॉइंट बोल दे। दिमाग आपका कंटिन्यूसली मूव होते रहना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन एज अंडर 85 लाख आफ्टर डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है सर। एक मिनट रुक जाओ, करोगे क्या, जल्दी से बताओ। जुपिटर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, असेसमेंट ईयर 21-22, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, वर्किंग नोट नंबर 1, PGBP, पर्टिकुलर ₹100। सबसे पहले नेट प्रॉफिट 85 लाख रुपीज लाने का, धमका के रख देने का, तो हम भी सबसे पहले वही काम करेंगे। 85 लाख रुपीज यहाँ पे आपके कवर हो गए। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एक एक एडजस्टमेंट पे। इंटरेस्ट 3 लाख ड्यू टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इट इज पेड ऑन नवंबर। एक मिनट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 43B अप्लाई होगा, जो कहता है बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल रिटर्न भरने से पहले पे कर दिया अलाउ, रिटर्न भरने के बाद पे किया डिसअलाउ। अक्टूबर हमारा लास्ट डेट है रिटर्न भरने का, ये पेमेंट हुआ है कहाँ पे बेटा, नवंबर के अंदर में डिसअलाउ हो जाएगा। 3 लाख क्या करेंगे, एड बैक करेंगे, 3 लाख रुपीज़ एड बैक इंटरेस्ट, और साथ साथ में 43B का एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, सिंस नॉट पेड बिफोर द ड्यू डेट। एक एक लाइन में भी आपने एक्सप्लेनेशन लिखा, आपको मार्क्स मिलेंगे। पर आप गलती ये करते हो, सिर्फ आप एड लेस करते आते हो और आज तक आपने एक्सप्लेनेशन नहीं किया, और ऐसा हो सकता है आपने जहाँ पे क्लासेस किए हो वहाँ पे प्रॉब्लम ही कवर नहीं करे हो, तो ऐसा हो सकता है। टेंशन नहीं लेना बेटा, अभी मेहनत कर लो, कोई बात नहीं। 6 लाख रुपीज पेड इन इंडिया टू मिस्टर फिलिप अ नॉन रेसिडेंट टुवर्ड्स द फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, टीडीएस इज हाउएवर पेड ऑन 30 नवंबर। ये मतलब है हमको तो पूरा 6 लाख रुपए एड बैक करना पड़ेगा, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया 40A I, याद आ रहा है तुमको, 6 लाख पूरा एड बैक कर दोगे तुम 40A I का प्रोविजन अट्रैक्ट करके, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज टू नॉन रेसिडेंट, ईजी एडजस्टमेंट। प्रॉब्लम के साइज से मत डर बेटा, तू मेरे साथ है, मैं तेरे को भरोसा दिलाता हूँ, तू बिंदास काम कर लेगा। तू बस इस चीज़ को देख, और तेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक के जरूर पहुँचा, उनकी भी मदद होनी चाहिए। डैमेजेस अमाउंटिंग टू 15 लाख रुपीज पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफेक्ट फाउंड इन कंस्ट्रक्शन। एक मिनट, ये जो डैमेज आप पे कर रहे हो ये बिजनेस रिलेटेड डैमेज है। बिजनेस रिलेटेड डैमेज जो आप पे कर रहे हो ये बिजनेस डिडक्शन बोल के अलाउड होगा। इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो ये अलाउ होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिडक्शन सिंस डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर इंसिडेंटल टू कैरिंग द बिजनेस। डिप्रीसिएशन चार्ज इज 20 लाख, डिप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स कहीं दिया है 25 लाख। तो चलो ये दोनों एडजस्टमेंट एक साथ करते हैं, 20 लाख को ऐड करेंगे, 25 लाख को लेस करेंगे, 20 को ऐड और 25 को लेस। लेस वाले आइटम कहाँ है भाई साहब, इधर है लेस वाले आइटम, इसमें हमने हमारा डेप्रिसिएशन ढूंढना है 25 लाख। लैंड सोल्ड टू नेपच्यून इनकॉर्पोरेशन was acquired at 30 lakh rupees in the financial year. Value as on the date of sales assessed by the stamp valuation authority is 50 lakh. Cost inflation index is given. हमने लैंड सेल करी है मतलब कैपिटल गेन टैक्स जरूर आएगा। हमने लैंड सेल करी है मतलब कैपिटल गेन टैक्स जरूर आएगा। अब हमें क्या करना होगा, जो प्रॉफिट आया होगा ऑन सेल ऑफ लैंड, जो प्रॉफिट आया होगा ऑन सेल ऑफ लैंड, हमें इसे कंसिडर करना होगा। सबसे पहले एक और वर्किंग नोट बनेगा कैपिटल गेन का, एक और वर्किंग नोट बनेगा कैपिटल गेन का। सो दिस विल बी yes done, total amount आपकी आ जाएगी सर, ये जाएगा कैपिटल गेन में, ये एडजस्टमेंट को फॉर द टाइमिंग आप रोक सकते हो। द कंपनी इन्फॉर्म्स यू दैट टिल असेसमेंट ईयर 2021 कंपनी डिड नॉट इंक्लूड रिटेंशन मनी इट इन टोटल इनकम इन द एब्सेंस ऑफ राइट टू रिसीव सच मनी बेस्ड ऑन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट विच हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड बाय असेसिंग ऑफिसर कंसिस्टेंटली। ठीक है, बताइए क्या करना है इसको, क्या करने की ज़रूरत है इसको। रिटेंशन मनी है कुछ, ठीक है, इसे अब तक के इंक्लूड नहीं किया गया है। रिटेंशन मनी है, इसे अब तक के इंक्लूड नहीं किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, रिटेंशन मनी जो होता है ICDS का ट्रीटमेंट है मालिक, ये गुड ट्रीटमेंट है इस प्रॉब्लम का। आपको याद होगा ICDS में हमने पढ़ा था सिविल कंस्ट्रक्शंस के केस में कि बॉस रिटेंशन मनी को भी रेवेन्यू इंक्लूड करना पड़ेगा। एओ क्या बोलता है वो अलग विषय है, बट दिस हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन योर इनकम, दिस हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन योर इनकम। ये आप इसे इंक्लूड करेंगे, रिटेंशन मनी का जो अमाउंट रहेगा इसे आप क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो ये जितना भी अमाउंट होगा इसे एड बैक करना पड़ेगा, जो हम करेंगे। कितना है मालिक, ये रिटेंशन मनी अवेटिंग इज 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ को क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा, 10 लाख एड बैक एज पर ICDS। चेक करो 10 लाख एडेड बैक एज पर आईसीडीएस। डन सर, बहुत बढ़िया। वापस ऊपर आते हैं। मार्क टू मार्केट लॉस अमाउंटिंग टू 6 लाख रुपीज इन रिस्पेक्ट ऑफ अनसेटल्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फाइनली सेटल्ड इन May 2021 विद अ गेन ऑफ 1 लाख रुपीज। ठीक है, सबसे पहली बात, मार्क टू मार्केट लॉस जितना भी है राइट उतना ओवर एंड अबाव जो 36 के तहत है वो हमें क्या करना पड़ेगा, डिसअलाउ करना पड़ेगा। नीचे देखते हैं मार्क टू मार्केट लॉस से रिलेटेड कोई पॉइंट बोला है क्या। एज ऑफ नाउ मार्क टू मार्केट रिलेटेड पॉइंट कुछ दिया नहीं है। एक असम्पशन हम लोग ये ले सकते हैं कि भैया ये यू नो अनसेटल्ड डेरिवेटिव का है, सो कॉन्टिंजेंट लॉस ये हो सकता है। अनसेटल्ड डेरिवेटिव वर्ड है तो ये कॉन्टिंजेंट लॉस हो सकता है, तो हमें ये क्या करना होगा, एड बैक करना होगा। 6 लाख रुपीज़ हम लोग एड बैक करेंगे अगेन आईसीडीएस ट्रीटमेंट राइट, विच आर इन द नेचर ऑफ कॉन्टिंजेंट लॉस एंड नॉट अलाउड एज डिडक्शन। Profit of 10 lakh rupees on sale of land, which is a wholly owned subsidiary company. एक मिनट, 10 lakh rupees क्या करेंगे हम यहाँ से बताइए। सबसे पहले तो लेस करेंगे, ये प्रॉफिट हुआ है तो, क्योंकि ये यहाँ टैक्सेबल नहीं है तो लेस कर दिया हमने 10 लाख रुपीज़ यहाँ से, ये टैक्सेबल नहीं है इस हेड में। ठीक है सर। 3 lakh being interest on FD made with a bank as a margin money for obtaining guarantee required by state government for particular contract। अच्छा जी, आपको पता है जब भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हमें क्या रखना पड़ता है, FD रखना पड़ता है या डिपॉजिट रखना पड़ता है। ये जो डिपॉजिट होता है ये गवर्नमेंट के अंदर में रखा जाता है मार्जिन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। तो ये एक बिजनेस है, इंटरेस्ट ऑन FD आया है विच इज़ मेड विद द बैंक एज मार्जिन मनी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट है, आंसर इज नो, ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन FD विद बैंक, नथिंग नीड्स टू बी डन सिंस FDR इज मेड एज मार्जिन मनी फॉर ऑब्टेनिंग गारंटी रिक्वायर्ड। इंटरेस्ट इनकम इज इन द नेचर ऑफ PGBP एंड हेंस नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि ये जो मार्जिन मनी आप रख रहे हैं ये किसके लिए रख रहे हैं मालिक, बिजनेस के लिए रख रहे हैं, और बिजनेस के लिए मार्जिन मनी रख रहे हो तो इससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट भी आ रहा है ये अदर सोर्सेज में नहीं जाएगा, PGBP में ही आएगा। सो दिस एडजस्टमेंट इज गुड, दिस एडजस्टमेंट इज गुड, रिटेंशन मनी वाली एडजस्टमेंट इज गुड। यहाँ पे इस प्रॉब्लम को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर में हम 43B देख रहे हैं, इसके अंदर में ICDS देख रहे हैं, इसके अंदर में दो एडजस्टमेंट्स और है, सेल वाला भी, वो भी बताता हूं। डिविडेंड 10 लाख रिसीव फ्रॉम अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, द ब्रेकअप ऑफ विच एज अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज बाय रिट्स, रेंटल इनकम 4 लाख रुपीज। अच्छा जी, क्या करोगे। सबसे पहले बात तो सर, आपके जो 6 लाख रुपीज़ है जो डिविडेंड मिला है उसको यहाँ से लेस करना होगा। डिविडेंड फ्रॉम रिट लेस करेंगे, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं है। यही अगर रेंटल इनकम आ रहा है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से तो बॉस उस केस में ये इनकम बन जाएगा इसी हेड में। रेंटल इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी दैट इज यूनिट होल्डर सिंस रिट्स होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी for business of renting, it shall be an business income as per Supreme Court in Chennai properties। वैसे भी रिट्स का जो नेचर होता है अर्निंग का वो यूनिट होल्डर के हाथ में आता है, तो जो रेंटल इनकम आ रही है रिट्स की वो इसकी भी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, इसको कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। जबकि डिविडेंड इनकम यहाँ से हटा दी जाएगी। जब डिविडेंड इनकम यहाँ से आप हटा दोगे तो जाहिर सी बात है वो यहाँ से निकल जाएगी। डन सर, यहाँ पे कैपिटल गेन कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, ये वाला एडजस्टमेंट हो गया। ड्यूरिंग द ईयर 20 न्यू एम्प्लॉई हैज़ बीन टेकन अप, ये 80JJA की बात हो गई, JJA की बात हो गई, बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, PGBP को एंड करना होगा, ये आया 89 लाख रुपीस। फिर हमें कैपिटल गेन निकालना होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा 50 लाख रुपीस। इसके बाद हमने 30 लाख की लैंड ली थी, इंटू 301 डिवाइडेड बाई 220, ये आएगा 41,04,545 रुपीस। आपका ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, आपका ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा 97,95,455। अब यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगा 80JJA का, 80JJA का आपको डिडक्शन मिलेगा, न्यू वर्कमैन का। इसके लिए पूरा पॉइंट यहाँ पे पढ़ना होगा, डिडक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, याद करो 80JJA न्यू वर्कमैन के 30% के एडिशनल वेजेस का डिडक्शन देता है। जितना एडिशनल वेजेस हमने उनको पे किया होगा उसका 30% आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 80JJA भी आ रहा है, प्लस REIT से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स भी आ रहे हैं, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करें, पढ़ें। During the year 20 new workmen qualify as workmen were recruited. All this contributes to the recognized provident fund. 15 employee out of 20 employee joined on 1st May and 5 other joined in November. तो ये 5 के लिए नहीं मिल पाएगा, क्यों? क्योंकि इनने less than 240 days work किया होगा। 10 who joined were offered a salary of 24,500 and other were 32,000. एक मिनट, out of 20 5 का तो मिलने ही नहीं वाला, इसमें से वो 10 और गायब हो गए जिनकी सैलरी कितने से ऊपर है, 10 नहीं, 10 एम्प्लॉय वेयर ज्वाइंड एट 24,500, यानी अब तक मिलेगा किसको, 10 को ही मिलेगा, यहाँ से और गायब हो गए। एंड द बैलेंस वेयर ऑफर्ड 32,000 पर मंथ। 1 एम्प्लॉय ज्वाइंड इन मे एट ए सैलरी ऑफ 24,000 ड्रू हिज सैलरी बाय बेरर चेक, ओहो साहब, 9 ऑफ 12,500 एंड 12,000 फॉर एवरी फोर्टनाइट इन अ मंथ। ठीक है सर, आ जाओ सर। टोटल बेनिफिट कितनों के लिए मिलेगा, 9 एम्प्लॉय के लिए। कितना बेनिफिट मिलेगा, 24,500 इंटू 9 एम्प्लॉय इंटू 11 मंथ, क्योंकि उनने ज्वाइन में से किया है। ये जो भी अमाउंट आएगा आपको इसका 30% मिलेगा। सो चेक करते हैं, ये पूरा एडजस्टमेंट फाइनली आपको कितना मिलेगा, 9 एम्प्लॉय के लिए 24,500 जिनने 11 मंथ वर्क किया होगा। 11 मंथ क्यों, मई से, ये उनका सैलरी, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इसका 30%। 80JJA में बेनिफिट मिलेगा, डिडक्शन माइनस करोगे, आ जाएगा आपका टोटल इनकम, आ जाएगा आपका टोटल इनकम। वॉज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। डन सर, दैट्स इट। आ जाओ सर, नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 64, May 2018 ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन, ओल्ड सिलेबस। अब यहाँ पे ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस आएगा। एक बात बता दूँ, PGBP में कुछ फर्क नहीं पड़ता, PGBP में बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है, चाहे वो ओल्ड सिलेबस हो चाहे वो न्यू सिलेबस हो। तो बिल्कुल इस बात पे दिमाग लगाना मत कि भैया मैं ओल्ड सिलेबस का है मैं क्यों करूँ, चुपचाप आ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का, टेंशन नहीं लेने का। करना क्या है, आपको टोटल इनकम कंप्यूट करनी है, स्टेटिंग क्लियरली आइटम फॉर एडजस्टमेंट फॉर ईच आइटम। वही बात फिर से आपसे कही जा रही है, देख लो। यानी हर अटेम्प्ट में तुम ये समझ लो एक पीजीबीपी का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा तुम्हारे को, एक पीजीबीपी का क्वेश्चन तुम्हारे को हर अटेम्प्ट के अंदर में रहने ही वाला है, राइट। चलो जी, एक एक एडजस्टमेंट, ये इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर में एज सच कुछ भी नहीं है। ये और 65B बहुत ईजी है। बीजी प्राइवेट लिमिटेड एंगेज इन मल्टीपल बिजनेस, नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 52 लाख, स्क्रूटनी इज गिवन एज अंडर 52 लाख से अपनी स्टार्टिंग हो जाएगी, पर्टिकुलर रुपीज़ के साथ वर्किंग नोट नंबर 1 PGBP स्टार्ट कर देना। शेयर इनकम 25% फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म 9,50,000 रुपीज़। एक मिनट, पार्टनरशिप फर्म से कुछ शेयर इनकम मिला है, बताओ क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। पार्टनरशिप फर्म से जो इनकम आती भी है वो PGBP के अंदर में टैक्सेबल होती है, यहाँ पे आपको इस एंगल के अंदर में कुछ नहीं करना है। लेकिन एक और पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म से एज अ पार्टनर जो शेयर इनकम आती है ये एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(2)A। तो आपको क्या करना है, सिंस वो एग्जाम्प्ट है PGBP में से निकाल देना पड़ेगा। 950 लेस होगा, लेस वाले आइटम सबसे पहले शेयर इनकम 950 बिकॉज इट इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। तुरंत प्रोविजन को रीड करो, तुरंत प्रोविजन को रीड करो। यस, चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द कंपनी पेड 1 लाख रुपीज़ एज सर्विस चार्जेस टू अ कॉल सेंटर फॉर अटेंडिंग द कॉल ऑफ द कस्टमर एंड सप्लायर, टैक्स वॉज डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 2%। वैसे भी मैं आपको बता दूं, कॉल सेंटर के ऊपर जो TDS का रेट है, कॉल सेंटर के ऊपर जो TDS का रेट है वो 2% ही है, 2% ही है। हम TDS के अंदर में अभी देखेंगे, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है आपको, निल होगा। सर्विस चार्जेस पेड टू कॉल सेंटर, यस। TDS इस पे है 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर 18 लाख फॉर डिगिंग अ वेल नियर द फैक्ट्री फॉर यूज बाय पब्लिक इज अ CSR। एक मिनट भाई साहब, सेक्शन 37 याद होगा, कंपनीज एक्ट है जो कहता है भैया CSR एक्सपेंडिचर करो, इनकम टैक्स कोई ऐसी बातें नहीं करता। तो इनकम टैक्स में ये 8 लाख रुपीज़ क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। नहीं चलता 37 को भैया, हमारे 37 के एक्सप्लेनेशन को 2 नहीं चलता। एक्सप्लेनेशन रीड करो, एक्सप्लेनेशन रीड करते जाओ। डन, ओके, बढ़ते हैं आगे। ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ अ जनरेटर, जनरेटर, ठीक है, जनरेटर के लिए आपको क्या मिला है भाई साहब, एक 10 लाख रुपीज़ मिले हैं। द जनरेटर वॉज एक्वायर्ड फॉर 35 लाख रुपीज़, सम ऑफ 5 लाख वॉज पेड एज एडवांस बाय कैश टू द सप्लायर ऑफ जनरेटर। 5 लाख रुपए कैश में दे दिए उठा के, बहुत बढ़िया कर रहे हो सर, कैश पेमेंट। द ग्रांट अमाउंट रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू द PNL, ये तो जाना ही था। डेप्रीसिएशन चार्जेस 35 लाख का 15%, डेप्रीसिएशन ही तो गलत चार्ज कर दिया। सबसे पहली बात, ये जो आपने पेमेंट किया है एडवांस पेमेंट, इसका क्या होगा और कितना होगा, ढूंढ के बताओ। अच्छा, कुछ और बातें, PNL को आपने 10 लाख रुपए क्रेडिट तो कर दिए, लेकिन क्या ये क्रेडिट होने थे? नहीं, बिकॉज ये असेट के अगेंस्ट में मिले हैं। असेट के अगेंस्ट में अगर ये मिले हैं तो इसे असेट की कॉस्ट से लेस होना चाहिए था, आपने उसे PGBP इनकम दिखा दिया, ट्रीटमेंट ही गलत है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट से इसे क्या करना पड़ेगा, लेस। इट्स अ गुड एडजस्टमेंट, बट हम ये ऐसी एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। 10 लाख रुपीज़ आप लेस करोगे। ग्रांट रिसीव्ड वाई it should be taken into account while determining the actual cost. 43(1) explanation 10. पहले ये read करो. Done. अच्छा जी, इससे रिलेटेड हो सकता है हम डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट करें. अब डेप्रीसिएशन कितना आएगा? 15%. डेप्रीसिएशन कितना आना चाहिए? 15%. 15% ऑफ व्हाट? जनरेटर की कॉस्ट 35 लाख थी, जिसमें से 5 लाख रुपीस स्काई में पे हुए, आपके कैश में हुए, तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा. बचे 30 में से अगर आप देखोगे तो और भी कोई एसेट है क्या, हमें वो भी कंसिडर करना पड़ेंगे. तो इस पॉइंट को हम रखेंगे पेंडिंग. इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखते हैं इसका डेप्रिसिएशन एंगल क्या होगा. अज्यूम दैट द कंपनी इज नॉट एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन. ठीक है, समझ गए हम. ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज़ ब्रॉट टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम अ लोकल सप्लायर. Cash payment was made exceeding 10,000 but below 20,000 in a day to 15 supplier aggregating to 2 lakh. Cash payment 2 lakh 100% added back. (40A3). नोट रीड कर लो. डन. ऊपर चलो वापस से. डेप्रीसिएशन डेबिटेड टू पीएनएल इज 10 लाख रुपीज. इट इंक्लूड्स 8 लाख बीइंग डेप्रीसिएशन ऑन द असेट्स रिवैल्यूड. बताओ मेरे भाई, डेप्रीसिएशन असेट्स रिवैल्यूड करके कंसिडर किया है. कोई बात है ये जीवन में? नहीं ना. क्या करेंगे बोलो डेप्रीसिएशन को? क्या करेंगे बोलो आप जल्दी से. डेप्रीसिएशन अलाउड एज पर इनकम टैक्स, डेप्रीसिएशन डेबिटेड टू बुक्स एंड सो ऑन. डेप्रीसिएशन का यहाँ पे ऑल टुगेदर एक डिफरेंट ट्रीटमेंट रखा है. मेरे हिसाब से अपन ने भी एंड में देखना तो ज़्यादा समझ में आएगा. इसको रोकते हैं वापस से. प्रोविजन फॉर डिफर्ड टैक्स 6,50,000 रुपीज़. बोलो 6,50,000 का डिफर्ड टैक्स का प्रोविजन है. क्या करोगे? एड बैक करोगे. प्रोविजन नॉट अलाउड 650 एडेड बैक. चेक करो. डन. चलो जी, आते हैं आगे. ट्रेड क्रेडिटर 5 लाख वेर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 5 years एंड देर इज नो बिजनेस रिलेशनशिप विद देम. द अमाउंट वॉज यूनिलैटरली ट्रांसफर टू द क्रेडिट. ट्रेड क्रेडिटर थे 5 लाख रुपए के. इसको हमने अल्टीमेटली क्या कर दिया, कोई बिजनेस था नहीं, अमाउंट यूनिलैटरली ट्रांसफर कर दिया. रेमिट नहीं किया उन्होंने, रेमिट नहीं किया, हमने यूनिलैटरली क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया. क्या होना चाहिए इसका एडजस्टमेंट आप बताओ, आप बताओ क्या होना चाहिए इसका एडजस्टमेंट. यूनिलैटरली हमने खुद ने होके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. क्या होगा इसका एडजस्टमेंट? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको. सर क्यों? खुद दिमाग लगा के मुझे ज़रूर बताना कि क्यों कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे मैसेज करना कि सर इसको कुछ क्यों करने की ज़रूरत नहीं है, हमने लेक्चर में डिस्कस किया है. इस लाइन को ध्यान में रखते हुए आप मुझे बताना कि हमने क्यों कुछ नहीं करना है. राइट. रॉयल्टी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट इज़ 12 लाख रुपीज़. रॉयल्टी इनकम है भाई साहब, क्या करोगे बताओ जल्दी से. ये रॉयल्टी इनकम 115 BBF के अंदर में कवर हो रही है. रॉयल्टी इनकम 115 BBF के अंदर में कवर हो रही है. क्या करना चाहिए हमें? कुछ नहीं. वाई? बिकॉज रॉयल्टी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट चार्ज इज ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट. अब ऐसे केस में सिंस एसएससी मल्टीपल बिजनेस में है, हम इसको पीजीबीपी इनकम मान रहे हैं और इसको यहाँ से अदर सोर्सेज में नहीं डाल रहे. नहीं तो हम हो सकता था रॉयल्टी इनकम को अदर सोर्सेज में फेंक दे, बट यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल बिजनेस है तो हम ये मान सकते हैं. Depreciation eligible under section 32 before considering adjustment of any item described above is 12,25,000. ठीक है, ओके The assessee executed only one civil contract value 15 lakh. The contractee withheld 20% of the contract amount, which would be released only after 2 years. The amount withheld has not been credited to P&L. मतलब ये हो गया retention money. Yes, ये क्या हो गया बेटा? Retention money. Retention money का क्या करने वाले हैं हम लोग? इधर आओ, लिखा है हमने. एक मिनट, ये सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी हम लोगों ने कंसिडर कर लिया. इज रिटेंशन, हाँ, रिटेंशन मनी 3 लाख रुपीस. क्या करना है? एड बैक. रिक्वायर्स रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंक्लूडिंग रिटेंशन मनी ऑन अ परसेंटेज कंप्लीशन मेथड. In this case, since question mentioned that assessee has executed the contract of value of 15 lakh, it is logically to assume that 100% of contract has been completed this year. Therefore, the entire retention money 3 lakh has to be recognized since the contract is fully completed. Contract 2 साल पहले का था. डन सर. तो हमने assumption के साथ सॉल्व कर लिया कि भाई साहब ये तो कंप्लीट हो ही चुका होगा, और कंप्लीट हो चुका होगा तो हमने उसे कंसिडर कर लिया. ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच वॉज इशूड फॉर 25 पर शेयर. एक मिनट, आपने इशू किया. आर यू प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी. द फेयर मार्केट वैल्यू was determined to be 17. शेयर इशू किया है आपने, इशू 25 पे किया है जबकि उसका फेयर मार्केट वैल्यू 17 है. 25 - 17 इंटू 1 लाख. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. 25 - 17 इंटू 1 लाख. Income from other sources. Issue of share was an easy adjustment. हम इसको पहले भी देख चुके हैं सर. During the year, company has advanced 550 to one of its director having 22% equity share. अच्छा जी, to meet his personal expenses. 222E वाली बातें कर रहे हैं हमसे. The company has accumulated profit of 25 lakhs. ठीक है. Loan कितना दिया है? 5,50,000. डीम्ड एज डिविडेंड माना जाएगा इन द हैंड्स ऑफ हुम? द पर्सन रिसीविंग इट. सो एडवांस बाय द कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटैंशियल इंटरेस्टेड नॉट लेस देन वुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. इन दिस केस 550 वुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ डिरेक्टर. एज पर फाइनेंस एक्ट 2020 द डीम्ड डिविडेंड अंडर 222E इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. आप देख सकते हैं अमेंडेड वाला पॉइंट पूरा कवर किया है. ओके, आ जाओ बेटा. आई थिंक सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं. ड्यूरिंग द ईयर कंपनी एडवांस, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है. ठीक है, अब सिर्फ डिप्रीसिएशन वाला बाकी है. सिर्फ डिप्रीसिएशन वाला बाकी है. आ जाओ मालिक, डिप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट देखते हैं. डिप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स कितना है बेटा? 12,25,000. ठीक है, इसमें वो एडजस्टमेंट नहीं किए गए हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर बताए हुए हैं. ठीक है, अब डेप्रीसिएशन एट 15% ऑन 15 लाख बिंग अमाउंट पेड इन कैश फॉर जनरेटर एंड अमाउंट फॉर ग्रांट नॉट इंक्लूडेबल इन द एक्चुअल कॉस्ट. ये एक्चुअल कॉस्ट के अंदर में इंक्लूड नहीं किया जाता. इसके ऊपर का जो डेप्रीसिएशन है 15 लाख रुपए के ऊपर का, ऊपर देखो हम लोगों ने देखा था कि बॉस आपने एडवांस दिया था, एडवांस दिया था. सो टोटल करो. टोटल करो, ये माइनस कर दिया हम लोगों ने. डेप्रीसिएशन एक्चुअली अलाउड अंडर द इनकम टैक्स कितना बचा 10 लाख, इसमें से ऑलरेडी डेबिटेड है 10 लाख, नील हो जाएगा। नील हो जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा करेक्शन करना है आपको। एडवांस मनी 5 लाख वॉज पेड इन कैश की जगह 15 लाख कर दीजिए ताकि यहाँ एडजस्टमेंट की जरूरत ना पड़े। ये 15 लाख कर दीजिए। आई थिंक प्रॉब्लम विल बी डन। आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और पीजीबीपी इनकम मिला के 60 लाख रुपीस आ जाएगा। डन मालिक। 65, 66 एंड 67 ये आपको सेल्फ करने हैं। 65 ईजी है, सारे एडजस्टमेंट्स वही है जो हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, सो यू विल नॉट फाइंड एनी न्यू एडजस्टमेंट एज सच। 66 छोटा सा क्वेश्चन है 44 ADA के ऊपर। चलो एक काम करते हैं, 66 कर लेते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है। मई 2018 का क्वेश्चन है। 44 ADA पे हमने वैसे भी कोई क्वेश्चन नहीं किया है, तो 66 कर लेते हैं। डॉक्टर जूही रिपोर्ट्स यू दैट ग्रॉस रिसीट फ्रॉम अवर मेडिकल प्रोफेशन इज 49 लाख 20, मतलब मेडिकल के अंदर में प्रोफेशन है लेस देन 50 लाख रुपीज है। हर नेट इनकम एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज 2640 बिफोर एडजस्टिंग द डेप्रिसिएशन टू 10। शी डिड नॉट पे एनी अमाउंट बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स तो मैंडेटरी था। शी हैज 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड अनादर इज लेट आउट एट अ मंथली रेंट ऑफ 10,000। Advise Juhi with reference to 44 ADA on filing return with optimal tax liability, यानी आपको नॉर्मल तरीके से भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और अदर तरीके से भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, और फिर उसको आपको कम्युनिकेट करके बताना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ दिमाग लगाना। करना क्या है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कोई भी ऑप्शन ले, उसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम तो भैया 10,000 के हिसाब से 1,20,000 आने वाली है, उसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले जूही असेसमेंट ईयर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, वर्किंग नोट नंबर 1 HP ग्रॉस टोटल इनकम 10,000, पहले लिखना सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी निल, फिर लिखना लेट आउट प्रॉपर्टी 1,20,000, उसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देना, बैलेंस इनकम को HP का फाइनल कर लेना। ये हुआ HP, सेल्फ ऑक्यूपाइड को निल, लेट आउट को 120, 30% का डिडक्शन 84,000 रुपीज़ यहाँ पर लेकर के आ जाना। अब एक ऑप्शन ये HP इनकम रह गई, उसने एडवांस टैक्स पे नहीं किया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब उसकी पीजीबीपी इनकम अगर उसकी देखी जाए, तो 49,20,000 आ रहा है सेट उसका टर्नओवर, तो 49,20,000 इंटू 50%, 24,60,000 उसका पीजीबीपी आ सकता है, ये बन जाएगा उसका टोटल इनकम 25,44,000। ठीक है। अच्छा जी, क्या दूसरे तरीके से निकाला जा सकता है बिजनेस इनकम? यस, उस केस में उसका एचपी इनकम तो 84,000 ही रहेगा, पीजीबीपी कैसे निकालेंगे? उसने कितना अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया होगा? 2640, 2640 में से डेप्रीसिएशन माइनस करके दे दोगे तुम, ये आएगा 225। एक मिनट, 26,40,000 में से 210 का डेप्रीसिएशन माइनस कर देना, ये आएगा 24,30,000, और इस केस में आपकी टोटल इनकम बनेगी 25,14,000। दोनों तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। एक, आपने प्रिजम्प्टिव इनकम 50% लेके कर लिया तो क्या, प्रिजम्प्टिव इनकम अगर लेते हैं तो हम डेप्रीसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलते, डीम टू बी अलाउड माना जाता है। नॉर्मल इनकम लेके डेप्रीसिएशन माइनस करके आ गया तो क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे 25,44,000 आ रहा है, यहाँ पे 25,14,000 आ रहा है। साथ साथ में टैक्स भी निकाल लेते हैं। टैक्स कितना रहेगा चेक करो मालिक। इसकी टोटल इनकम है 25,44,000, सो 25,44,000 में से पहले 10 लाख तक का टैक्स आप सभी को पता है 1,12,500, एक मिनट, कहीं एज लिखी है क्या जूही की? नहीं। बैलेंस बचता है 15,44,440,000, इस पे 30% जो भी आएगा यहाँ पे उसका टैक्स बन जाएगा। सो यहाँ देख सकते हो आप 575,700। क्या कोई सरचार्ज लगने वाला है? नहीं, सीधा क्या लगेगा सेस, ये आया आपका टैक्स। एक मिनट, इस पे अब इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि आप लोगों ने एडवांस टैक्स नहीं दिया है। 234B का भी इंटरेस्ट लगेगा, 234C का भी इंटरेस्ट लगेगा। 234B का कितना लगेगा, 234B का कितना लगेगा, जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है उसका 1% लगेगा आपको। हालांकि अभी तक हमने 234B और C पढ़ा नहीं है, ये हमारा एक और टॉपिक है इंटरेस्ट, उसके अंदर में कवर होने वाला है। एज ऑफ नाउ बस आप इसको टिक कर दो क्योंकि वो टॉपिक आप पढ़ोगे उसके बाद आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। क्योंकि मैं तो आपको ये अजम्पशन के साथ पढ़ा रहा हूँ कि भैया आपको ये टॉपिक अभी तक आते नहीं, आप पहली बार DT पढ़ रहे हो। ये खत्म हुआ, यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से टैक्स निकलेगा, 234B और C भी आएगा। 234B और C एडवांस टैक्स के नॉन कंप्लायंसेस के लिए होता है, तो वो आएगा ही आएगा। यहाँ नीचे उनके कैलकुलेशंस दिए हुए हैं किस तरीके से वो आए हैं। हालांकि एज ऑफ नाउ ये कैलकुलेशन आपको नहीं समझेंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और अगर आपका 234B और C पढ़ के हो चुका है तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप पढ़ सकते हो। एक बार ये नोट पढ़ लो नीचे का लिखा हुआ। Done, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 67, प्लीज डू इट ऑन योर सेल्फ, काय के ऊपर बेस्ड है? 145, सेक्शन 145 के ऊपर बेस्ड है। ICDS से रिलेटेड पॉइंट है, आप इसको सेल्फ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 68 को भी आपको सेल्फ करना होगा। नो न्यू एडजस्टमेंट, यू विल फाइंड इट ईजी है, डू इट ऑन योर सेल्फ। लेट अस गो फॉर 69। नवंबर 2018 का क्वेश्चन है। बी प्रपोजेस टू परचेज फॉर हिज बिजनेस सर्टन रॉ मटेरियल फ्रॉम एस इन व्यू ऑफ स्कैरसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एस इंसिस्टेड ऑन द कैश पेमेंट फॉर परचेजेस टू विच बी अग्रीज। इन मार्च 21 द परचेजेस आर इफेक्टेड थ्रू कैश इनवॉइस 3,20,000। इन रिस्पेक्ट ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन देयर विल बी एनी detrimental effect in the hands of B and S under the provisions of income tax। एक मिनट, अब वो क्या बात कर रहे हैं, B और S के लिए क्या impact है? आपको याद होगा तो आपको एक सेक्शन आता है 269ST। 269ST के अंदर में बोला जाता है भैया एक व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख के ऊपर रिसीव नहीं करना है, रिसीवर के हाथ में ये हो जाएगा। तो क्या लिखना होगा, 40A3 लिखना होगा प्लस 269ST लिखना होगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और इसीलिए मैंने इसको लिया है। अच्छा जी, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ कैश पेमेंट्स इफेक्टेड बाय द बायर ऑन 2 डिफरेंट डेट 180 140। फिर ये 269ST वाला पॉइंट हट सकता है। सबसे पहले कैश परचेसेस, मिस्टर बी इज मेकिंग कैश परचेसेस 320। मिस्टर बी इज मेकिंग कैश परचेसेस 320 फॉर रॉ मटेरियल। डिसअलाउंस अंडर 40A3 वुड बी अट्रैक्टेड सिंस द पेमेंट इज मेड बाय अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ECS अदर स्पेसिफाइड मोड एक्सीडिंग 10,000। अकॉर्डिंगली 320 वुड नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। अब एस के हाथ में 269ST। 269ST प्रोहिबिट्स अ रिसिप्ट ऑफ एन अमाउंट 2 लाख और मोर इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे अदरवाइज बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ECS। इफ एनी पर्सन रिसीव्स अ सम इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अबव प्रोविजन ऑफ 260ST he will be liable to penalty a sum equal as per 271DA. Since in this case S has received 320, he will violate 216 NST and he will be liable to penalty 271DA. साथ में yes answer will change if they make two different purchase. 320 will be disallowed as per 40A3 and 269 ST shall not be attracted. It's a very good question. Mark this question as important. Concept based question है मालिक, concept based question है, बहुत प्यारा question है. November 2018 old syllabus question, question number 70 we will take it. करना क्या होगा हमें, कंप्यूट करना है मालिक टोटल इनकम को. गिव योर रीजंस इन ब्रीफ टू ईच आइटम इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम. सिर्फ इनकम कंप्यूट करनी है, क्वेश्चन इजी है. बस इंडस्ट्री एंगेज इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स. एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर में है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर में है. ₹72 लाख से आपका PGBP स्टार्ट होता है. ठीक है सर, ₹72 लाख से आपका PGBP स्टार्ट होता है. चालू करो. सबसे पहले PGBP आएगा ₹72 लाख. डन. एक एक एडजस्टमेंट को अब हम हाथ लगाएंगे. आइटम डेबिटेड टू पीएनएल, पहली बार उनने डेबिट वगैरह अलग दिया है. डिप्रीसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट 24 लाख. ज़रूर यहाँ पे डिप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स भी होगा 28 लाख. बोलो क्या करेंगे, 24 को ऐड 28 को लेस. ये एडजस्टमेंट अब जिंदगी में बहुत बार कर लिया हमने. ठीक है, तो अब इस एडजस्टमेंट के बारे में बिल्कुल पूछना मत. इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 60,000 for short payment of advance tax 234B relating to assessment. wait a minute, क्या ये allowed है? answer is no. interest under 234B का जो interest है ये allowed नहीं है. 60,000 add back हो जाएंगे. contravention of law के payment है ये. interest and borrowing cost 950 and 7 lakh though not meeting the criteria for recognition as a component of cost इंक्लूडिंग इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री रिस्पेक्टिवली. ठीक है सर, क्या करना होगा इसका, इसको पेंडिंग रखो, आगे देखेंगे. ये इन्वेंट्री से रिलेटेड है, पेंडिंग रखो, सिर्फ आगे देखेंगे इसको. एक्सपेंडिचर ऑफ 41,000 पेड इन कैश कंप्राइजिंग 22,000 डायरेक्टली पेड टू प्रोड्यूसर ऑफ डेयरी फार्मिंग अलाउड. 19,000 towards printing and stationery. Only 19,000 will be disallowed. 19,000 cash payment. Done. Okay. 350 paid to contractor for carrying out repair work at a factory premises. Tax was not deducted at source in this payment. बोलो क्या करेंगे, 350 का 30% ले लेंगे. 40A IA 350 का 30% रिपेयर्स वर्क. कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं लगेगा अब आपको ये, क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे ना मालिक. आपने इतने करीब 70 क्वेश्चन PGBP के हम लोगों ने सॉल्व किया. आप देखो ये आपको लगेगा अरे यार ये तो मेरे को आ ही रहा है, ये तो मेरे को मालूम ही है. 35,000 टूवर्ड्स एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स अर्निंग द इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट. एक मिनट, कार्बन क्रेडिट की जो इनकम होती है ये टैक्सेबल होती है, लेकिन इससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं ये अलाउ नहीं होते हैं. क्या करेंगे, 35,000 ऐड बैक कर देंगे. इट्स अ गुड एडजस्टमेंट. 35,000 ऐड बैक करेंगे. 115 BBG. कॉन्ट्रीब्यूशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट 3 लाख पेड बाय चेक. 3 लाख रुपीज ऐड बैक. 80 GGB का डिडक्शन. 3 लाख रुपीज एडेड बैक. एक डिडक्शन का वर्किंग नोट बनेगा क्योंकि हम टोटल इनकम बना रहे हैं. 3 लाख रुपीज़ इसमें पॉलिटिकल पार्टी का भी है, इसलिए अमाउंट ज़्यादा होगी जो आगे आपको दिखेगी. एक्सपेंडिचर टुवर्ड एडवर्टीजमेंट इन अ पॉलिटिकल पार्टी 40,000 एड बैक. 40,000 का 80 GGB के अंदर में डिडक्शन. सेम एडजस्टमेंट, इसीलिए 3 लाख प्लस 40,000 बना यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे 3 लाख प्लस 40,000 बना. interest on term loan obtained from cooperative bank not paid before the due date of filing return 2,60,000 rupees. आपने इंटरेस्ट पे बिफोर द ड्यू डेट नहीं किया, 43B अप्लाई हो जाएगा. ये एडजस्टमेंट तो अब हम ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर में देख चुके हैं. एड बैक कर लो 2,60,000 रुपीज़. नेक्स्ट, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम ऑफ एम्प्लॉय इज 1,50,000. एक मिनट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जितना भी होता है आपको याद होगा मैक्स 10% ऑफ सैलरी होता है. अब ये हमें पेंडिंग रखना पड़ेगा आगे कहीं सैलरी समझने के लिए. मैक्स 10% ऑफ सैलरी अलाउड होगा, बचावा क्या हो जाएगा मालिक, डिसअलाउ हो जाएगा. अब इस एंगल में हमें समझना होगा कि टोटल सैलरी कितनी है. देखेंगे टोटल सैलरी कितनी है. यहाँ पे कहीं पे लिखा है क्या, नीचे आकर के देखोगे तो आपको दिखेगा एलिजिबल सैलरी एंड डी ए इज 10 लाख रुपीज़. 10 लाख का 10% अलाउड होगा, यानी इसमें से 1 लाख रुपये माइनस होंगे और बचावा 50,000 रुपीज़ एड बैक हो जाएगा. रीड दिस, दिस इज अनादर गुड एडजस्टमेंट. रीड दिस. Then sir, चलो जी, अनरियलाइज रेंट 380 पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 19 रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर. याद कर मेरे भाई, अनरियलाइज रेंट जब भी रिकवर होता है उस साल की इनकम मानी जाती है और इसमें से 30% डिडक्शन मिलता है. एक और वर्किंग नोट बनेगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अनरियलाइज रेंट रिकवर्ड 380, उसमें से 30% डिडक्शन. ये 380, 30% डिडक्शन, ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. गेम ओवर. डिविडेंड फ्रॉम अ स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी इंक्लूडेड इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर 20,000 इनकर्ड ऑन अर्निंग सच डिविडेंड 1,60,000. एक मिनट भाई साहब, आपकी डिविडेंड इनकम है 1,60,000. सबसे पहली बात तो अदर सोर्सेज के अंदर में हम इसको डालेंगे. पीजीबीपी में से अनरियलाइज रेंट और डिविडेंड इनकम दोनों माइनस करेंगे. ये 380 यहाँ से माइनस, लेस वाले आइटम डिविडेंड इनकम यहाँ से माइनस. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में आप डिविडेंड इनकम लोगे 160. हालांकि नो डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम दिस थिंग. ये अदर सोर्सेज का एक और वर्किंग नोट बनेगा. 3 वर्किंग नोट बन गए, पीजीबीपी, एचपी और अदर सोर्सेस, प्लस एक और वर्किंग नोट डिडक्शन का भी बन गया होगा. प्रॉफिट ऑफ 3 लाख रिसीव फ्रॉम अ हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फॉर मीटिंग द आउट ऑफ लॉस इन फॉरेन करेंसी पेमेंट टुवर्ड्स इंपोर्टेड प्रिंटिंग मशीन. हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कोई लॉस हुआ है. अब मुझे बताओ इसका क्या करेंगे, लॉजिकली सोच करके देखना आप. सर, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉस है ये ICDS के हिसाब से आता है और हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट का कोई प्रॉफिट भी है तो ये ICDS के हिसाब से आता है. अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो ये हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रॉफिट है जिसे बिजनेस इनकम माना जाता है. इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. नील. इस पे एक असम्पशन लिखना, इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट इज़ एज पर the ICDS. Interest from bank on FD net of TDS 10%. ये net of TDS है, इसको gross up करना पड़ेगा और इसे इधर से पहले माइनस करना पड़ेगा. 135 यहाँ से माइनस करो. ये देखो इंटरेस्ट ऑन FD पूरा 150 अदर सोर्सेज में ऐड करना पड़ेगा और यहाँ से 135 लेस करना पड़ेगा PGBP में से. और अदर सोर्सेज में पूरा ग्रॉस इनकम हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा. ग्रॉस कैसे करेंगे, अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय 100 माइनस TDS रेट. डेप्रीसिएशन कंसिडर्ड. एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अलाउड ऑन ड्यू बेसिस बट पेड इन द करंट ईयर इज 35,000. एक मिनट, आपको अगर ड्यू बेसिस पे वो अलाउ हो गए थे तो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे उसका फिर से कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है. ऑडिट फीस ऑफ प्रीवियस ईयर 75,000. TDS डिडक्टेड बट नॉट पेड, हाउ एवर इट इज पेड ऑन 31/12/2020. 31/12/2020 को पे किया होगा तो भाई साहब अलाउ हो गया होगा। ये जो ऑडिट फीस है इसका जो 30% है आप वो अब माइनस करोगे क्योंकि उस टाइम उसका डिडक्शन नहीं मिला होगा। तो ऑडिट फीस का 30% जो विदाउट टीडीएस पेमेंट हुआ होगा उस साल का, इस साल एक्चुअली पे हुआ तो 30% इस साल डिडक्शन मिलेगा, तो आप ये माइनस कर दोगे। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट 4 लाख नेट बिफोर टैक्स, कार्बन क्रेडिट्स का जो इनकम है इसको 4 लाख कंसिडर किया है, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी निकालते वक्त इसको अलग से कंसिडर किया जा सकता है, अदरवाइज तो बिल्कुल कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। यस, ड्यू बेसिस पे आपको अलाउ अगर नहीं हुआ था तो एक्चुअल बेसिस पे आप उसको एड बैक कर सकते हो इफ़ एनी रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपका सारे हेड को नील करके टोटल इनकम बन जाएगा 55,64,000 रुपीज़, 55,64,000 रुपीज़। एक बार इस प्रॉब्लम को चेक कर लीजिए। चलो मालिक, डन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 71 के ऊपर आ जाते हैं। आज तो बिल्कुल टारगेट लेकर के चलते हैं कि बॉस खत्म ही कर देंगे इसको। एसजी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। आईसीडीएस का एज वेल एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का जबरदस्त क्वेश्चन है, नवंबर 2018 के अंदर में पूछा था। आईसीडीएस इंपॉर्टेंट मार्क करना मालिक, आईसीडीएस प्लस AS 13 के ऊपर भेज दे। याद होगा तो जब हम लोगों ने आईसीडीएस पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि बॉस इस सिक्योरिटीज़ का वैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है, स्क्रिप्ट वाइज या टोटल वाइज उसके ऊपर भेज दे। एसजी सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, द डिटेल्स ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय इट एज स्टॉक एंड ट्रेड आर गिवन एज अंडर, कॉस्ट पर शेयर NRV इज गिवन, कंपनी वैल्यू इट्स ईयर एंड स्टॉक एंड ट्रेड अकॉर्डिंग टू द AS 13, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट इफ एनी रिक्वायर्ड टू बी मेड इन इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, येस और नो। अच्छा जी, आपको अगर याद हो तो हम लोग क्या रिकॉग्नाइज करते हैं AS 13 के हिसाब से, कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। सो शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक एंड ट्रेड आर अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13। करंट इन्वेस्टमेंट्स आर कैरिड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइंड ऑन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस, हर एक के बीच में इंडिविजुअल। सो बॉस कॉस्ट और NRV पहले केस में आपको आ जाएगा मालिक 50, यस, कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर का बेनिफिट आ जाएगा यहाँ पे। सो इंडिविजुअली आप हर एक का वैल्यू करोगे चाहे वो P, Q, R या S का हो। सो वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एज पर AS 13 क्या बनेगा मालिक 70,650। दूसरे केस में कॉस्ट और NRV 32 के हिसाब से बनेगा, 32 × 200, ये 32 × 200 6,400। तीसरा 110 × 300, ये 110 × 300 33,000। एंड चौथा 25 के हिसाब से 25 × 250, 25 × 250 6250। एज पर 145A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायर्स सिक्योरिटीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड टू बी वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट इनिशियली रिकग्नाइज और NRV एट द एंड विचएवर इज लोअर। तो हम क्या करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे और जो लोअर रहेगा 75,750 आ जाएगा। अब AS के हिसाब से 70,650 आया, इन AS एंड 145A के हिसाब से 75,750 आया। SG इज रिक्वायर्ड टू वैल्यू इट्स शेयर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एज 75,750 एज पर 145A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट पर्पस एंड अकॉर्डिंगली इट्स इनकम वुड बी इंक्रीज बाय 5,100 रुपीज। चेक कर लीजिए मालिक। डन, चलो जी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 इज अनादर गुड क्वेश्चन, कंप्यूटेशन के बेसिस के ऊपर है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको लगेगा ये बड़ा क्वेश्चन है पर टेक्निकली ये बड़ा नहीं है। हाँ, इसमें अंदर में कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे कवर किए गए हैं। मई 2019 का क्वेश्चन है मालिक, मई 2019 का क्वेश्चन है ओल्ड सिलेबस का, मई 2019 का ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है। आओ ज़रा देखते हैं। On 1/4/2020, Binu Limited of Delhi, a domestic company, engaged in the business of manufacturing of metro rail seats, converted into LLP. ओ भाई साहब, conversion into LLP का question है. Fulfilling all the condition of 4713B, some of the relevant information is given as under. VRS expenditure incurred by the company during the previous year is 20 lakh. The company was allowed a deduction of 4 lakh each year from the previous year 1819 and 1920 under 35DDA. ठीक है. फिर और भी कुछ बातें लिखी है. 150 equity shares in Tokyo Limited, an Indian company listed in BSE, acquired 1900 per share. On conversion, this share became the property of Swamiya LLP. ठीक है. Besides other assets transferred to Swamiya Limited, to Swamiya LLP by Binu Limited, it also transferred two factory building. On 1/4/2020, the Swamiya LLP lease out one factory building along with the plant and machinery at a consolidated lease rent 50,000 per month. During the previous year, Swamiya LLP earned a profit of 25,40,000 after debit and credit of following item. ठीक है. प्रॉब्लम की शुरुआत आपने यहाँ से करनी चाहिए. दो इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी, राइट. आपकी शुरुआत प्रॉब्लम की यहाँ होनी चाहिए और एक एक आइटम को हम क्या करते जाएंगे, एडजस्ट करते जाएंगे. सो अगर मैं पीजीबीपी की बात करूँ, पीजीबीपी वर्किंग नोट नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 25,40,000 रुपीज़. प्राइमरीली अगर कोई क्वेश्चन को देखेगा तो वो डर जाएगा. बिल्कुल सही कह रहा हूँ, प्राइमरीली अगर कोई क्वेश्चन को देखेगा डर जाएगा. और यह क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर में करीब 2.5 पेज पे आया होगा, 2.5 पेज. क्योंकि अगर मैं A4 का पेज यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को ही अगर 2 पेज लग रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो मेरे को लगता है क्वेश्चन पेपर ये 2.5 पेज का रहा होगा. और बच्चा यही परेशान हो गया होगा कि यार ये कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया इंस्टीट्यूट ने, इसमें करना क्या क्या है. बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं. प्रॉब्लम की शुरुआत हम जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे. आप बिल्कुल टेंशन मत लो यार. देखो तुमको इतना कोई हार्ड चीज़ नहीं पूछी जा रही, सिर्फ तुमसे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी बहुत अच्छे से करी जा रही है. और वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तुमसे एक्सपेक्टेड भी है. इस लेवल पे, फाइनल लेवल पे तुमसे कंसेप्ट क्लैरिटी एक्सपेक्टेड भी है. तो बस उतना ही करना है, टेंशन वाली बात नहीं है. करना क्या है एट द एंड? नीचे आओ. दिस सम इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट. यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ सच कन्वर्जन एंड कैलकुलेट द टोटल इनकम. यानी दो चीज़ें आपको करनी है. एक, जो कन्वर्जन हुआ है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करना, और टोटल इनकम कंप्यूट करनी है. सो लेट अस फर्स्ट गो फॉर टोटल इनकम. यहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत कीजिए. ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए. Binu Limited is the working partner of LLP. He is also working partner in another firm. He is actively engaged in the business of both the firm. Binu gets a salary of 55,000 from Swamiya LLP and the same is authorized in the partnership deed. अच्छा जी, पार्टनरशिप डीड के तहत ऑथोराइज्ड है. पार्टनरशिप डीड के तहत ऑथोराइज्ड है, उसको कुछ रेम्यूनरेशन. पर आपको याद हो तो रेम्यूनरेशन हम 40B की लिमिट के हिसाब से कंप्यूट करते हैं. तो पहले जो रेम्यूनरेशन आपने डेबिट किया उसको तो पूरा का पूरा एड बैक कर देंगे हम लोग. 40B के हिसाब से हमें रेम्यूनरेशन अलग से निकालना पड़ेगा, निकालेंगे. एज ऑफ नाउ 55,000 पर मंथ की अगर बात करिए तो 55,000 इंटू 12 एड बैक हो जाएगा. 6,60,000 सैलरी टू Binu. क्या करेंगे आप? एड बैक कर देंगे. डन. नेक्स्ट, आयुष्मान, एन एम्प्लॉई हैज बीन डेप्यूटेड टू वर्क इन द क्लाइंट प्लेस इन मुंबई फॉर 3 months. LLP पेड सैलरी इन कैश for the month when he was in Mumbai amounting to 345 net of TDS. Since he did not have a bank account in Mumbai, this payment was included in the amount of salary debited to PNL. Mr. Ayushman is normally posted in Delhi being headquarter. याद होगा तो 40A3 रीड विथ रूल 6DD में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर कोई एम्प्लॉय टेम्परली किसी दूसरी जगह पे पोस्टेड है और इस टाइम पे उसको कोई कैश पेमेंट दिया है तो 40A3 की प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होती. जनरली वो दिल्ली के अंदर में डेप्यूटेड है, कुछ दिनों के लिए मुंबई गया है और उसका वहाँ पे बैंक अकाउंट भी नहीं है, हम लोगों ने उसको कैश पे कर दिया. बिल्कुल अलाउड है, नील, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी. रीड कीजिए रूल्स. डन. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 25,000 वॉज पेड टूवर्ड्स पेनल्टी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ अ डिलीवरी कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये वाली लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड डैमेजेस है जो आप पे कर रहे हैं, जो बिल्कुल अलाउड है, इसका कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. निल, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू बिजनेस है, डैमेजेस रिलेटेड टू बिजनेस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. फोर्थ, The LLP had provided an amount of 18 lakh being sum estimated payable to worker based on agreement entered by the worker. पीरियोडिकल वेजेस के हिसाब से, एक मिनट, ये लाइन भी तुम पहले पढ़ चुके हो. पीरियोडिक वेजेस का रिवीजन होता है 3 साल के बाद, याद आ रहा है? अभी कुछ क्वेश्चन पहले आपने पढ़ा है. कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल बिजनेस पेमेंट है. अगेन आंसर आएगा निल. मतलब आप अगर कुछ क्वेश्चंस आपने ये करके चले गए ना, आप, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन है अगर आप करके चले गए, आप देखो जाकर के सिर्फ एग्जामिनेशन के अंदर में, रिसेंटली भी जो एग्जामिनेशन हुआ था 51 एग्जम्पशंस आए मालिक, कुछ तो लॉजिक होगा ना. नो डाउट बच्चों की मेहनत है, हमने भी मेहनत करी है. डेप्रीसिएशन डेबिटेड टू पीएनएल इज 540. अच्छा, डेप्रीसिएशन डेबिटेड टू पीएनएल, पीएनएल को डेबिटेड वाला ऐड कर दो, देखेंगे लेस क्या करना है. 5,40,000 ऐड बैक हो जाएंगे डेप्रीसिएशन के. नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेच्युटी प्रोविजन इज बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन 6.5, ग्रेच्युटी एक्चुअली पेड इज 4. बोलो क्या करेंगे? 6.5 माइनस 4, 2,50,000 ऐड बैक कर देंगे. 40A7 रीड विथ 43B, चेक कर लो मालिक. Done. Next, profit on sale of shares of Tokyo Limited 1,27,000 rupees. These shares were sold in May 20 for 2750 per share. Highest price quoted on stock exchange in 2018 was 2500 stock. ये कुछ 112A से related concept लग रहा है. पहली बात तो PGBP में से 127 माइनस करो, क्योंकि अगर ये है भी सेल तो ये यहाँ टैक्सेबल नहीं है. सो 127 यहाँ से हटाओ, हम इसको कैपिटल गेन हेड में देख लेंगे. एक वर्किंग नोट और बनेगा कैपिटल गेन टैक्स का, वहाँ पे लेके जाएंगे. रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स 59,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी गिवन ऑन रेंट. ये जो 59,000 है, रिपेयर्स किया प्लांट एंड मशीनरी को जो आपने रेंट पे दे दी, इसका डिडक्शन अगर आना भी है तो वो जाएगा अदर सोर्सेज में, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी को रेंट पे देना ही आपका मेन बिजनेस नहीं है. तो प्लांट एंड मशीनरी से जो रेंट भी आया है ये अदर सोर्सेज में जाएगा. मतलब तीसरी वर्किंग नोट बनेगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. प्लांट जो आपने रेंट पे दिया था, एक मिनट ऊपर चलते हैं, आपने फैक्ट्री बिल्डिंग अलॉन्ग विथ प्लांट एंड मशीनरी 50,000 पर मंथ रेंट पे दिया, तो ये पॉइंट बनेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. प्लांट एंड मशीनरी रेंट 50,000 इंटू 12 आई गेस 6 लाख रुपीज़. उसमें से आप क्या करोगे, ये जो आपने रिपेयर्स किया है 59,000 माइनस करोगे, क्योंकि सेक्शन 57 कहता है अगर प्लांट एंड मशीनरी आपने रिपेयर्स दिए तो इससे रिलेटेड डिप्रिसिएशन, इससे रिलेटेड खर्चे जो है आप वहाँ माइनस करोगे. तो 59,000 पीजीबीपी में ऐड और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से लेस, यहाँ पे ऐड पीजीबीपी में, और आईएफओएस में जाना, लीज रेंट आएगा आपका 50,000 इंटू 12, इसमें से रिपेयर्स 59,000 माइनस कर देना. गेटिंग इट. फैक्ट्री लाइसेंस फीस पेड 15,000 फॉर ईच फैक्ट्री बिल्डिंग. अच्छा जी सर, ये जो लाइसेंस फीस आपने पेड की है ईच फैक्ट्री बिल्डिंग की, ये क्या होगा? ये जो लाइसेंस फीस है ये आपको एड बैक करनी होगी. क्या करनी होगी मालिक? एड बैक करनी होगी. इसके ऊपर कुछ मिलेगा तो वो होगा डेप्रीसिएशन, इसके ऊपर कुछ मिलेगा भी तो वो होगा डेप्रीसिएशन. सिमिलर काइंड का आइटम हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. लीगल फीस इंक्लूड 26,000 पेड टू एडवोकेट फॉर ड्राफ्टिंग रजिस्टरिंग द लीज अग्रीमेंट. ये जो 26,000 है लीज अग्रीमेंट का, ये भी एड बैक हो जाएगा यहाँ पे, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से ये एक लीगल खर्चा है माइनस हो जाएगा. फैक्ट्री लाइसेंस फीस यहाँ से हटेगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। यहाँ पे दोनों भी हमने क्या कर दिए, एडबैक कर दिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जिस इनकम से ये रिलेट करता है उसमें से माइनस कर दी। एडिशनल इंफॉर्मेशन, अंडर एन अग्रीमेंट ऑफ डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग बैंक हैज कन्वर्टेड अनपेड इंटरेस्ट 9 लाख into a new loan account repayable in 3 equal installment. First installment was paid in March by debiting a new loan account. ये बात हम कई बार कर चुके हैं कि अगर आप अपना अनपेड लोन को कन्वर्ट करवा लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट करवा लेते हैं, तो उसको क्या नहीं माना जाएगा, एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाएगा। जितना एक्चुअली पेड हुआ उसका ही डिडक्शन मिलेगा। 9 लाख को आपने कन्वर्ट कर दिया रिपेबल इन 3 equal installment, जिसमें से एक इंस्टॉलमेंट आपने मार्च में पे कर दी है। यस, सो 9 लाख डिवाइडेड बाय 3 मतलब 3 लाख, एक्चुअली 3 लाख का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। 3 लाख क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। सेम एडजस्टमेंट पीछे 4 प्रॉब्लम में हम लोगों ने करा हुआ है मालिक। सो 3 लाख आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। बीनू इज अ वर्किंग पार्टनर brought a car which is registered in his name out of the funds of LLP. LLP के फंड से कार आई है। The car is used for exclusively business purpose. The depreciation on the car amounts to 15,000 rupees, which is not included in depreciation. क्या करेंगे, 15,000 जो कार यूज हुई है, सीधा depreciation जो included नहीं है माइनस कर दो। PGBP में से, बिजनेस में से तो अलाउड है। ये 15,000 रुपये depreciation on motor car माइनस कर दो। चलो, डन सर। बढ़िया, नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल इज 8,10,000 इंक्लूडिंग गिवन असेट्स ऑन लीज 90,000। एक मिनट, 8,10,000 में से सबसे पहले 90,000 निकालो, क्योंकि ये 90,000 जो लीज पे दिया है वो अदर सोर्सेज से में जाएगा, माइनस होगा, और बचा हुआ 810 माइनस 90 720 यहाँ से माइनस होगा और यहाँ पे ये माइनस होगा 90। पूरा का पूरा अदर सोर्सेस के सारी एडजस्टमेंट हो गई। ठीक है सर। LLP सोल्ड इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट्स ऑन 1,50,000। इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट्स जो आप सेल करते हैं ये पीजीबीपी का ही पार्ट बनता है, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। इट इज़ एन पीजीबीपी इनकम, सेक्शन 28 के अंदर में जाता है, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली नहीं है। सबसे ऊपर जाते हैं, वापस से इन लाइन से चालू करते हैं। वीआरएस का पेमेंट हुआ है 20 लाख का, इसमें के 2 इंस्टॉलमेंट आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, मतलब इस साल तीसरा इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा 4 लाख रुपये, माइनस करेंगे पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त। लो साहब, अब 150 इक्विटी शेयर ऑफ टोयो लिमिटेड लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमने एक्वायर किया था 2017 में, मतलब एक्विजिशन 2018 से पहले हुआ था। ऑन कन्वर्जन ऑफ दिस शेयर बिकेम प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। ठीक है, इस शेयर को यहां सेल किया, ये देखो, यहां सेल किया है। कितने में सेल किया है? सबसे पहली बात, 2018 से आपने पहले परचेज किया और बाद में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे बेचा, 112A अप्लाई हो जाएगा। अब हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट कैपिटल गेन का, उसमें सबसे पहले लिखेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कितने में बेचा? 2750। कितने शेयर्स थे? चेक करो, 150 शेयर, तो 2750 into 150 will be full value of consideration। इसमें से cost of acquisition माइनस होगा, 112A के हिसाब से इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। 112A के हिसाब से कॉस्ट क्या आती है, बोलो जल्दी से, हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने में एक्वायर किया था हमने? 1900। लोअर ऑफ सेल कंसिडरेशन दैट इज 2750 पर शेयर, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1 का फेयर मार्केट वैल्यू भी प्रॉब्लम में दिया है। बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, इतना सिंपल है। मैं जानता हूं पीजीबीपी लेंदी है पर हार्ड नहीं है मेरे भाई। 2500 पर शेयर, So 2500 rupees being lower of this and being higher of this. So 2500 into 150, 3,75,000. ये आप सॉरी 37,500 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया और इस तरह से आपकी टोटल इनकम आपके सामने आ गई। इस तरह से आपकी टोटल इनकम आपके सामने आ गई। Yes or no? बहुत बढ़िया, आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 73, डू इट ऑन योर सेल्फ। वैसे एक काय पे बेस्ड है, मैं आपको बता दूं। एक मिनट, ये सेल्फ भी मत करो एज ऑफ नाउ। इसके लिए डू इट आफ्टर एनआर टैक्सेशन करो। आपको याद होगा पीजीबीपी के जो एनआर वाले सेक्शन हैं, जो प्रिजम्पटिव इनकम फॉर नॉन रेसिडेंट वाला पार्ट है, मैंने आप लोगों को बोला है बेटा मैं इंटरनेशनल टैक्स में सिखाऊंगा, ये वहाँ जाएगा, उसके बाद इसे सॉल्व करना। तो ये अभी सेल्फ करना भी मत, वहीं सॉल्व करना। डन। 74, डू इट ऑन योर सेल्फ। ये केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, विच इज़ एन ईजी वन, आप इसको सेल्फ कर सकते हो। कम टू क्वेश्चन नंबर 75 विच इज़ आस्ड इन May 2019। सर May 2019 मतलब अभी वाले? हाँ सर, अभी रिसेंट वाले। करना क्या है हमें? Assume the conditions are not fulfilled, ignore MAT and compute total income as well as tax payable। ये तो अब हमें आदत सी हो गई है, ठीक है। असेसी कौन है? मैन्युफैक्चर में एंगेज्ड है। एक क्वेश्चन तो बड़ा कॉमन है, मतलब आप देख सकते हो इतने सालों से पीजीबीपी के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको हर बार मैन्युफैक्चरिंग वाला डिटेल दिया जाता है, हर बार टोटल इनकम की बात होती है। रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 272 lakh as per the statement of profit and loss account. Company was subject to tax audit and the net profit is arrived at after debit and credit of following। सबसे पहले 272 से गेम चालू करते हैं। CES, right? Working note number 1, particulars rupees। उसके बाद में 272 से आपका गेम शुरुआत हुई। एक एक चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। Depreciation charge on the basis of companies, क्या करोगे? 32 को ऐड कर दो। नीचे कहीं जा करके ढूंढना depreciation लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो compute करने बोलेगा, ठीक है। कंप्यूट करना है, इतनी डिटेल्स यहाँ से जो दिख रही है उसके हिसाब से 32 क्या करोगे? ऐड बैक कर दोगे। सन्ड्री क्रेडिटर हुज अमाउंट इज 32 लाख वाज आउटस्टैंडिंग सिंस लॉन्ग टाइम हैज बीन सेटल्ड फॉर 26 लाख। 32 माइनस 26 बेस्ड ऑन द कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट द अमाउंट वेव्ड हैज बीन क्रेडिटेड टू PNL। इफ इट इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू PNL, डू आई नीड टू डू एनीथिंग? आंसर इज नो, क्योंकि ये वैसे भी क्या है? इनकम ही है। तो हमें कुछ करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। वेवर ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एज पर 41(1). 41(1) अप्लाई होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिटेड है। 41(1) के हिसाब से रेमिशन और सीजेशन इनकम माना जाता है। क्रेडिटर ने छोड़ दिया, हमारे लिए इनकम बन गई। Employers' contribution to Provident Fund 3 lakh in the month of March 19 was deposited in July 21। एक मिनट, उस साल इसका डिडक्शन नहीं मिला होगा जिस साल 2019 में इसका डिडक्शन नहीं मिला होगा। इस साल एक्चुअली 3 लाख रुपीज़ हमने पे किए, डिपॉजिट किए, इसका डिडक्शन मिलेगा। 3 लाख रुपीज़ हमें क्या करने पड़ेंगे? जल्दी से बताओ। 3 लाख रुपीज़ हमें क्या करने पड़ेंगे? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। माइनस करने पड़ेंगे, कंसिडर करना पड़ेगा हमें इसे, क्योंकि ये पहले खर्चा नहीं किया होगा, पहले इसका डिडक्शन नहीं मिला होगा। सिंस द सेम हैज बीन डेबिटेड टू PNL, नथिंग रिक्वायर्स टू बी डन। ये अलाउड हो जाएगा अब, और ये ऑलरेडी डेबिटेड है इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटरेस्ट पेमेंट डेबिटेड 30 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन ऑफ 25 लाख अवेल्ड ऑन 1420 एट द रेट ऑफ 12% टूवर्ड्स परचेज ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा जी सर, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है बोलो इसका क्या करोगे? इंटरेस्ट पेमेंट जो है स्ट्रेट अवे क्या हमें कंसिडर करना पड़ेगा? यस, हमें कंसिडर करना पड़ेगा। इंक्लूड्स इंटरेस्ट 25 लाख, ठीक है, टर्म लोन के ऊपर है और ये टर्म लोन मशीनरी के लिए यूज़ किया गया है। डन, मशीनरी के लिए यूज़ किया गया है, डन। लेकिन ये मशीनरी पुट टू यूज़ कब से हुई इस बारे में पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि पुट टू यूज़ के बाद का जो इंटरेस्ट, पुट टू यूज़ तक का जो इंटरेस्ट होगा वो कैपिटलाइज करना पड़ेगा और उसके बाद का जो इंटरेस्ट होगा वो अलग होगा। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा पुट टू यूज़ कहाँ है, इस पॉइंट को पेंडिंग रखेंगे। पेमेंट ऑफ 30 लाख टू ए एंड कंपनी ए सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर प्रोसेसिंग लेदर विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, दिस अमाउंट इंक्लूड्स 20 लाख फॉर परचेज ऑफ केमिकल, 10 लाख टूवर्ड्स लेबर चार्जेस विच इज सेपरेटली शोन इन द बिल। बताओ सर, ये 30 लाख रुपीज़ जो आपने किसको पेमेंट किए हैं? कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किए हैं। क्या करेंगे इसका, क्या करेंगे मतलब क्या सर? ऐड बैक करना होगा, लेकिन कितना? ये जो लेबर चार्जेस इसमें इंक्लूडेड है ना, इतना, क्योंकि परचेस ऑफ रॉ मटेरियल और बिल अमाउंट सेपरेटली शो हुआ है। ध्यान से सुनना, टीडीएस का कंसेप्ट है ये इट्स अ गुड एडजस्टमेंट। टीडीएस का कंसेप्ट है, बिल बना करके आपको दिया, इसमें से 20 लाख रुपीज़ जो है ये परचेसेस के लिए है और 10 लाख रुपीज़ जो है ये लेबर चार्जेस है। 194C कहता है, 194C के अंदर का ये पार्ट है कि अगर परचेसेस का अमाउंट सेपरेटली शोन है तो वो परचेस मटेरियल को एक्सक्लूड करके जो बैलेंस अमाउंट है उस पर टीडीएस होता है। यानी 10 लाख पे टीडीएस होना चाहिए, टीडीएस नहीं हुआ, 10 लाख का 30% डिसअलाउ होना चाहिए। पेमेंट ऑफ लेबर चार्जेस, ये नोट पढ़िए, एक्सक्लूडिंग द मटेरियल का होना चाहिए ये। डन मालिक, ग्रेट। बढ़ते हैं आगे, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। कंपनी हैज़ नॉट मेड प्रोविजन ऑफ 12 लाख बीइंग फेयर एस्टिमेशन ऑन अमाउंट पेएबल टुवर्ड्स रिविजन ऑफ वेजेस। बताओ सर, कंपनी हैज़ नॉट मेड द प्रोविजन, ये प्रोविजन उनने बनाई ही नहीं है। आपको क्या करना होगा? लेस करना होगा, क्योंकि ये फेयर एस्टिमेशन पे है और ये अलावेबल एज एक्सपेंडिचर है। सो 12 लाख रुपीज़ आप क्या करोगे बेटा? लेस करोगे। प्रोविजन फॉर वेजेस पेबल टू वर्कर, प्लीज़ रीड द नोट। ये वर्कर को जो आप पेमेंट करते हो ये रीजनेबल सर्टेनिटी है, ICDS भी कहता है। अगर रीजनेबल सर्टेनिटी है कि पे होने ही वाला है तो आपको इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। डन सर, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। WDV ऑफ द असेट्स बिफोर अलाउिंग डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स आर एज अंडर द अबव वैल्यू हैज बीन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड व्हाइल प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या करेंगे सर आप? आपको एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी डेप्रिसिएशन की। अब जैसे बिल्डिंग हुआ, बिल्डिंग पे कितना परसेंट है बेटा? 10%। प्लांट एंड मशीनरी 170 लाख इंक्लूसिव ऑफ 30 लाख विच इज एक्वायर्ड ऑन 111 एंड पुट टू यूज, ठीक है। ये 170 में से पहले 30 हटाओ, कितना बचता है? 140 के ऊपर आपने पूरा 15% ले लेना है, चार्ज कर लेना है। यस, या फिर एक मिनट, ये अगर एक्वायर हुआ है 111 को तो आप इसके ऊपर कैसे कंप्यूट करोगे डेप्रिसिएशन? आइए इधर देखते हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग 180 लाख इंटू 10%, plant and machinery 30 lakhs being new machine cost plus 175 interest 1/4/2010 से 31/3/2020 का 31/10/2020 का ये इंटरेस्ट कहाँ से आया याद है, ये पॉइंट हम लोगों ने ऊपर छोड़ दिया था। 30 लाख रुपीज़ में से 25 लाख टर्म लोन का था जो 1 तारीख को लिया था, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर अक्टूबर तक के आपको कंसिडर करना पड़ेगा 7 मंथ्स राइट। इसीलिए आप देखोगे जो इंटरेस्ट था 7 मंथ्स का उसको सबसे पहले कैपिटलाइज किया गया है, इसका नोट पढ़ो। 7 मंथ्स तक का जो अमाउंट होगा इसको आपको पुट टू यूज के डेट से पहले, अब पुट टू यूज ही नवंबर के अंदर में हुआ है आपका, तो अप्रैल से नवंबर तक का जितना भी इंटरेस्ट है 25 लाख रुपीस का इंटू 12% इंटू 7/12 ये आपको एड बैक कर दिया गया। एंड देन नीचे जब आओगे आप प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट के अंदर में ये ऐड बैक करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपने किया है उसको ऐड बैक। 140 लाख के ऊपर पूरा 15% आप लोगों ने चार्ज करेंगे, 170 में से 130 गए, बचे हुए के ऊपर पूरा 15% आप लोगों ने चार्ज किया। यस, कंप्यूटर्स के ऊपर 15 लाख इंटू 40%, एवरीबडी डन। साथ साथ में एडिशनल डेप्रीसिएशन भी आएगा 10% बिकॉज असेट इज यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज, असेट इज यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज। डन सर, चलो जी ऊपर आओ। थर्ड, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज एम्प्लॉयड 24 एडिशनल एम्प्लॉय, आपको याद है सेम एडजस्टमेंट इसके पहले भी आपने किया हुआ है राइट सेम एडजस्टमेंट किया 24 एम्प्लॉय। All these employees are, contribute to RPF. 12 out of 24 employees have joined on 1/6, मतलब पहले तो 12, ठीक है ना, ये 8 कवर होंगे ना ये कवर होगा, इसमें से 2 गए, बचे हुए 10। ये जो 10 एम्प्लॉय ज्वाइन हुए हैं 80JJA कवर होगा। ये 10 एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है 23,000 इंटू 30%। नीचे आओ, 80JJA दिखना ही चाहिए आपको, टोटल एम्प्लॉय, इसका कैलकुलेशन होगा 10 एम्प्लॉय 10 मंथ्स 23,000 प्लस 20,000 इंटू 5 इंटू 8 इसका 30%। एक चीज आप जो भूल जाएंगे, फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री के अंदर में नंबर ऑफ डेज 240 के जगह 150 होता है, तो ये भी कंसिडर होगा। ये जो 8 एम्प्लॉय है ये भी कंसिडर होंगे, क्यों कंसिडर होंगे क्योंकि फुटवेयर और लेदर के केस में 240 के जगह 150 नंबर ऑफ डेज था, तो ये भी कंसिडर होगा, ये भी कंसिडर होगा, एंड इट्स अ वेरी गुड एडजस्टमेंट। देन रिलेटेड पार्टी को सेल किया है 1000 में जबकि उसकी सेलिंग प्राइस है 1300 रुपीज़, क्या करना चाहिए हमें, ये सवाल ही गलत है, क्या करना चाहिए हमें, ये सवाल ही गलत है सर, क्या करना चाहिए हमें? ये आपने कवर कर लिया। Sales of leather bag at a price lower than fair market value is attracted where the assessee makes payment to a related person and the payment is excessive and unreasonable. Further, the domestic transfer pricing is also not applicable. Employees' contribution to EPF is 3 lakh. Recovered from their salaries for the month of March 19 and shown in the balance sheet under the head sundry creditors. कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी सेम एडजस्टमेंट पढ़ा हुआ है। आई थिंक सारे एडजस्टमेंट डन है। पीजीबीपी क्लोज होगा, दूसरा हेड क्लोज होगा, आपका ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, इसमें से 80JJA का डिडक्शन एंड इनकम आउटर बीइंग राउंडेड ऑफ। इसके ऊपर टैक्स निकाला है विद सरचार्ज। चलो जी सर, डन हो गया। आ जाते हैं आगे। 76 डू इट ऑन योर सेल्फ। 76 को मालिक खुद कर दीजिए, इजी, नॉट अ बिग डील। एडिशनल डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा। 77 के ऊपर आ जाइए सर। आई थिंक दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। येस, दिस विल बी अ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ओनली, मे बी लास्ट, क्योंकि लास्ट वाला तो थ्योरी है तो मैं माइट भी आपको वो दे दूँ। Anamika Builder Construction, a company resident in India, engaged in the business of construction and real estate. क्या करना है हमें? You are required to compute the total income chargeable to tax in the hands of Anamika Builders. Give a brief for each explanation. नवंबर 2019 का क्वेश्चन है मालिक। ठीक है, चालू करते हैं नेट प्रॉफिट से 54,80,000। जी हाँ, 54,80,000 से हम लोग चालू करते हैं। यह आ गया 54,80,000 रुपीज़। एक एक आइटम को देखेंगे। पहला आइटम डेप्रीसिएशन डेबिटेड 847, वहीं डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्सेस 514 इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 78,000 ऑन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन वेरियस बिजनेस प्रोमाइसेस वर्क ऑफिसेज ऑफ द एसएससी ड्यूरिंग द ईयर एज पर एज देयर वॉज नो इंसिडेंस ऑफ फायर दीज इक्विपमेंट्स वेर नॉट यूज। इक्विपमेंट भले यूज नहीं हुए, पुट टू यूज मीन्स रेडी टू यूज माना जाता है और इसी के लिए आपको ये अलाउ होगा। तो डिप्रीसिएशन 847 का एड बैक करेंगे और डिप्रीसिएशन क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा इन आइटम्स के ऊपर। 514 का इनफैक्ट फायर फाइटिंग का भी किया जाएगा इवन इफ इट इज़ नॉट यूज, बिकॉज लॉ कहता है पुट टू यूज मीन्स रेडी टू यूज। ज़रूरी नहीं आग लगा करके पहले फायर फाइटिंग की जाए और उसके बाद ही बोला जाए हाँ भाई यूज्ड, तो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स की अगर हम बात करें, द ग्रॉस रेवेन्यू इंक्लूड 5 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग ऑफ नीटअप लिमिटेड फॉर द पीरियड ऑफ मार्च 2021 टू अप्रैल 2021। अच्छा जी, the expenses incurred on the project till 31/3/2021 amounts to 127 which is included in other expenses. अब ये 27 को हम क्या कंसिडर करेंगे? क्या सबसे पहली बात तो ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। एसएससी कुछ सर्विसेज के अंदर में है, एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। अब ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आईसीडीएस को ज़रा ध्यान में रखो। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अगर 90 डेज से कम का है तो जिस दिन सर्विस कंप्लीट होगी उस दिन हम उसका क्या करेंगे? रेवेन्यू बुक करेंगे। उस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इट्स अ गुड एडजस्टमेंट। सो 127 एड बैक कर देंगे। एक्सपेंसेस ऑन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एज पर 43CB, इफ ड्यूरेशन ऑफ सर्विस इज नॉट मोर देन 90 डेज देन रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज ऑन कंप्लीशन मेथड। तो पिछले बार का जो था वो लेंगे हम लोग, एड बैक कर देंगे। Amount of employee benefit includes 4,41,000 in respect of bonus payable to employee in the previous year 2021. The company and its employee union has a dispute over the payment of bonus. In order to avoid the late payment of bonus, company formed a trust. transferred the amount of bonus payable to employee to the said trust. The dispute was settled in the month of October 20 and the trust paid an amount of bonus on 30 December 2021. बताइए क्या होना चाहिए, बोनस कितने का था, 441 का। इस साल का कोई बेनिफिट मिलेगा क्या? आंसर इज नो, इस साल कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, एडबैक हो जाएगा उल्टा। The bonus would have been allowed under 36(1) even though the amount of bonus was initially remitted to trust created. It is after the due date of filing return and would not be allowed merely because the amount was remitted to the trust. चेक कीजिए, आफ्टर द ड्यू डेट बनने वाला है, इसका कोई डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है। डन बेटा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल गेन ऑन शेयर्स इज 377,500। ये कैपिटल गेन्स आए हैं, बताओ इन कैपिटल गेन्स का क्या करना होगा, हमें हटाना होगा यहाँ से, पीजीबीपी में से हटाना होगा हम लोगों को। तो पीजीबीपी के लेस आइटम्स में से यहाँ से हटाएंगे, टोटल इनकम जब कंप्यूट करते रहेंगे तब इसे कहीं ना कहीं कंसिडर करेंगे, देखेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ one of its ongoing project, SSE had made some structural changes contrary to what was earlier approved by municipal authorities. SSE hence paid 98,000 as regularization fees in such changes in construction plan. ये जो आपने पे किया है, let's say 98,000 रुपीज, ये against the municipal authority किया है, yes, breach of law, और बाद में regularization fees आप पे कर रहे हो, not allowed as deduction. Regularization fees do not qualify for deduction. आपने पहले ही एज पर प्लान नहीं बनाया, नहीं मिलेगा डिडक्शन। अदर एक्सपेंडिचर इंक्लूड 145 CSR, CSR अलाउड नहीं है, एडबैक करेंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एसएससी कंपनी डिसाइडेड टू एक्सपांड इट्स बिजनेस एंड ओपन अ रिटेल पेट्रोल पंप, अकॉर्डिंगली 175 वाज डिपॉजिटेड विद अ कंसर्न अथॉरिटी, हाउएवर द एसएससी कुड नॉट स्टार्ट हिज ऑपरेशन एंड डिपॉजिटेड, द अथॉरिटी वाज द फॉरफिटेड। अमाउंट पेड फॉर एडवर्टीजमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी 48,000, सबसे पहले 48,000 तो एड बैक कर दो, प्लस ये जो अमाउंट फॉरफिट हुई है ये आपका एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। कैपिटल नेचर का हो गया, पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। ऑन 26 October, आउट ऑफ 5 अनसोल्ड ऑफिस स्पेस इन अ मॉल, द एसएससी कन्वर्टेड वन सच स्पेस इनटू ओन ऑफिस। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द स्पेस एज ऑन दैट डे वाज 15 lakh, द कॉस्ट अराइव फॉर कंस्ट्रक्शन इज 10 lakh rupees। ठीक है सर, देखते हैं इस पॉइंट को। 5 ऑफिसर्स थे जिसमें से एक ऑफिस आपने खुद के लिए रख दिया। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट हो गया, फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबिलिटी में आ जाता है, ये एक अच्छा कंसेप्ट है, फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबिलिटी में आ जाता है। बिजनेस प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट 15 lakh, फेयर मार्केट वैल्यू इज टेकन, यस। In respect of ongoing contract, there was a claim for escalation of price to the tune of 8,50,000. Company has filed a lawsuit in the year 2019. In the previous year 2021, the court gave judgment in the favor of company. The company has received 2 lakh till 31st March 2021. Gross received in the profit and loss account include 2 lakh in respect of such claims. अच्छा जी सर, सोचिएगा टोटल कितना था एस्केलेशन इन प्राइस 850, उसमें से कंपनी ने रिसीव कितना किया 2 lakh, ग्रॉस रिसीट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स 2 lakh इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लेम। ये तो आपने क्रेडिट किया होगा, जितना भी अमाउंट आया होगा इसमें से एक्चुअली आपको 2 ही मिला, मतलब 6 का आपको एडजस्टमेंट करना होगा, 650। क्लेम फॉर एस्केलेशन सेटल्ड इन फेवर ऑफ कंपनी इज टैक्सेबल एज पर ICDS सिंस देर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी आफ्टर द कोर्ट जजमेंट। सो आउट ऑफ 850 ओनली 2 हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड, बचे हुए पूरे के पूरे डिसअलाउ कर दिए, नॉट रिकॉग्नाइज कर दिए। डन, ओके। असेसी हेल्ड 250 शेयर्स इन यारा लिमिटेड, वाई अलॉटेड बोनस इन द रेशियो ऑफ 1:1। कंपनी सोल्ड ऑल शेयर्स ऑन 24 सितंबर फॉर 2050। कंपनी हैज एक्वायर्ड द ओरिजिनल शेयर्स for 540 in 2016. The fair market value as on 31st January 2018 was 1980 per share. ठीक है, सबसे पहली बात आपने जो ये सेल किया है इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। यस, यहाँ से आपने हटा दिया कैपिटल गेन को, इसको अपन नीचे आके कैपिटल गेन को सेपरेटली क्या करेंगे बेटा, कंप्यूट करेंगे। डन, आप देख सकते होंगे PGBP के सारे एडजस्टमेंट हो गए, राइट। ये 15 आपने ऐड कर दिए, जिसमें से 5 आपने रिकॉग्नाइज कर दिए। अब कैपिटल गेन की बारी, कितने में सेल किया था, व्हाट वाज द सेल वैल्यू, सेल वाज 2050 पर शेयर के हिसाब से। सो 500 शेयर्स, इसमें से कॉस्ट 55 के हिसाब से माइनस किया गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, डिडक्शन अंडर 80 GGB आएगा पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के, आपका टोटल इनकम अराइज हो गया। आप देख सकते हो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था जो न्यू था, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो अपन कवर नहीं कर रहे हैं। यस और नो? चेक कर लो मालिक। लास्ट क्वेश्चन 2019, प्लीज डू इट ऑन योर सेल्फ। काय पे बेस्ड है, 35D के ऊपर बेस्ड है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर के ऊपर। आप इसको आराम से देख करके सॉल्व कर पाओगे। और इसी के साथ हमारा खत्म होता है PGBP का क्वेश्चनर। PGBP की क्वेश्चनर में करीब 78 थे, जिसमें से आप टेंटेटिवली मान के चलो 10 से 12 मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, और बाकी हर क्वेश्चन में हर कैटेगरी कवर करी है, चाहे वो ICDS हो, चाहे वो अमेंडमेंट हो, चाहे वो टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम हो। आपने देखा कि PGBP के अंदर में मैंने सिर्फ PGBP कवर नहीं किया, इनफैक्ट टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम लिए जैसे आपके एग्जामिनेशन के अंदर में आते हैं। हमने बहुत डीप डिस्कशंस किए। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चंस को एक बार घर पे हाथ से लिख करके प्रैक्टिस करना, सो दैट आपको और बेहतर रिजल्ट मिले। यस, अगर आप फटाफट इसको देख रहे हैं तो इसके बाद एक बार आप खुद होकर के भी इसको ट्राई कीजिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होने वाला है, राइट। इसी के साथ साथ हमारा PGBP का पार्ट खत्म होता है सर। बाकी के अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाकी के कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग कंसिडर करेंगे, एंड डेफिनेटली इसे हम लोग को कंसिडर करना होगा। डन सर, तो फिर यहां रुकते हैं और आगे बढ़ते हैं।